अगर भारतीय मुसलमान को यह लग रहा है कि 800 साल उसने रूल करा है

Scam that has ever in Aisa India. को अगर आपको मोदी इज दोडक्टीन Indian politics. जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उन सभी के अपने अपने ओपिनियंस हैं और हर एक ओपिनियन उतना ही इंपॉर्टेंट है कोई कहता है बीजेपी इज 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 राइट 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 कोई कोई कहता है कोई कहता है है कांग्रेस आम आदमी पार्टी और डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात तो यही है ना कि हम सब अपने अलग अलग ओपिनियंस के साथ एक साथ इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं नमस्ते जय हिंद मेरा नाम है जय और यह है मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास प्रेजेंट और फ्यूचर की कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की नजरे होगी भारत के डेमो क्रेटिक फेस्टिवल पे हमारे इलेक्शंस पे और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हम सभी के लिए अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना अपने पॉलिटिकल हमारे हमारे Shantanu वो ऑथर है और वो योगी आदित्यनाथ जी के बायोग्राफर भी है उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है और सबसे बड़ी बात वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझते है इस कॉन्वर्सेशन के द्वारा मैंने शांत अनु गुप्ता जी से ये समझने की कोशिश की कि इंडियन पॉलिटिक्स आखिर है क्या यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की इतनी बात क्यों होती है मैंने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी अब डिक्टेटरशिप बनते जा रही है एक पॉडकास्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दो लोग जिनके ओपिनियंस मैच नहीं करते वो भी एक साथ आके एक हेल्दी वे में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं और आज का कॉन्वर्जेशन ऐसा ही कुछ रहा कई सारी चीजें थी जहां पे मैं शांतनु गुप्ता जी से अग्री नहीं करता बट देन उन्होंने मुझे कामली सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड ही ट्राइड टू पुट फॉरवर्ड हिस्स पॉइंट ज आइडियोलॉजी एंड एट द सेम टाइम आई कैप्ट चैलेंजिंग हिम अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को जानना है अगर आपको अपने डेमोक्रेसी को जानना है तो कॉन्वर्जेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज डू शेयर दिस कॉन्वर्सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल शांतनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे सर आप दिल्ली से ट्रैवल करके आए हैं मुंबई तो आई होप सो कि आज हम आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन करेंगे बीजेपी को जानेंगे इंडिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को जानेंगे इस वक्त तो सर फर्स्टली वेलकम ऑन द शो थैंक यू थैंक यू जी नमस्ते जी सर मुझे तो पहले आपसे जानना है क्योंकि आप बीजेपी को बहुत अच्छे से जानते हैं आपने योगी जी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है कंटिन्यूसली आप पॉलिटिक्स को इवॉल्व होते देख रहे हो इंडिया हुँ, में हुँ. इस वक्त व्हाट इज द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया मुझे यहां से बेस सेट करना है पॉडकास्ट का पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कल रात को मैंने uh, वीर सावरकर पिक्चर देखी है ना और उसके दो दिन पहले मैंने अटल ओ टी पे आ गए तो अटल देखी वाई एम so? में वर्ल्ड ओवर देर टू काइंड ऑफ नरेटिव राइट लार्जली पोलिटिकल नरेटिव राइट एक को हम लेफ्ट बोलते हैं एक को हम राइट बोलते हैं राइट दीज आर लिटल क्रूड जर्नलाइजेशन राइट बल्कि शायद ऐसा कुछ हुआ था कि फ्रांस में जब ये नाम आए थे तो समीपल हु पर्टिकुलर आइडियलॉजी वर से ऑडियंस राइट बट द आइडियोलॉजी है क्या भाई एक, एक जो और इसके दो कनोटेशन है एक है इसका कल्चरल कनोटेशन एक है इसका इकोनॉमिकल कॉनोटेशन राइट तो इकोनॉमिक लेफ्ट मतलब जो सोशलिस्ट होता है hmm.

आई विल नॉट बी गवन बायिविटी इंडिव्यूज एंडिटी इज मोर मोर इम्पोर्टेंट राइट सो वो लेफ्टो ये ये भी हमें देखना चाहिए कि लेफ्ट राइट जब हम कहते हैं राइट ये हम लिबरल वर्ड यूज करते हैं दे आर नॉट वेरी इजी टर्म्स राइट राइट जैसे समन हू इज लिबरल वो कल्चरली लिबरल होगा बट इकोनॉमिकली राइट होगा राइट सो लॉड ऑफ पीपल हु आर सो कॉल लिबरल दे मे टेक्निकली एग्री विद नरेंद्र मोदीज इकोनॉमिक पॉलिसीज राइट हैविंग सेट दैट इंडिया में ये आइडेंटिटीज थोड़ी फजी हो जाती हैं और हर कंट्री में किसी एक सेंट्रल थीम के अराउंड दे गेट दिस जैसे मैं अमेरिका का एग्जाम्पल देता हूँ अमेरिका में दर टू पार्टीज कंजर्वेटिव पार्टी राइट जो नाम से ही कंजर्वेटिव है विच इज रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप जिसकी पार्टी है मतलब uh, ट्रंप की पार्टी नहीं है मतलब ट्रंप जिसमें है और जो बाइडन की है डेमोक्रेट सो डेमोक्रेट इज अ लेफ्ट लिबरल ये सब वर्ड आप उनके साथ अटैच कर सकते हैं आप रिपब्लिकन के साथ Right, right. राइट लेकिन right? उस कंट्री का जो सेंट्रल थीम होता है उसके आप कई बार दोनों पार्टियां सिमिलर दिखेंगी राइट सो लेट्स अराउंड कैपिटल नो बडी विल बी सुपर सोशलिस्ट बिकॉज वो कंट्री पूरी कैपिटल पर चलती मतलब hmm. right. CVs, बनी ही है उसके बाद हम जिसमें यूट्यूब में जाएगा वो, hmm. वो भी वहीं का है ना इंस्टा में जाएगा hmm. वो भी वहीं का है राइट right? तो so, उसमें बोथ विल लुक सिमिलर hmm. राइट बट हां फॉर अदर कंजर्वेटिव पार्ट मे बी लाइक ट्रम्प विल बी मोर कल्चरली रेड विल विल बी बी लिटल एंटी इलीगल इमिग्रेंट राइट ऐसे ही आपको यूके में मिलेगा लेबर लेबर विल बी लेफ्ट एंड ऋषि सोनक विच इज कंजर्वेटिव हां कंजर्वेटिव ही बोलते हैं विच इज राइट भारत में ये बीजेपी और कांग्रेस में मैनिफेस्ट होता है दीज आर लार्ज टू आइडियोलॉजीज राइट अभी तक पिछले दस साल को छोड़ दें कांग्रेस लार्जली रूल द वर्ल्ड अब आप कहेंगे तो अटल बिहारी क्या थे बिहारी रूल फॉरशन राइट समल अभी तो बल्कि सबसे बड़ा मतलब चंद्रबाबू नायडू तो चलो इनआउट होते रहते हैं लेकिन ममता बनर्जी पार्ट ऑफिसम के बोथ है पास राइट टूडे डीएमके With विद उदयनिधि स्टालिन विच इज सेंग हिंदू धर्म इज मैं तो बीमारियों के नाम bhul भूल गया हूँ करोना एड्स वायरस सब कुछ है उसके साथ भी बिजनेस किया है बिकॉज एट टाइम्स अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है सो so mm. आपको गवर्नमेंट बनाना है राइट right? इसलिए मैं उसको डिस्काउंट कर रहा हूँ कल्चरल डिस्काउंट कर रहा हूँ राइट आई एम नॉट कि अटल जी ने अच्छे काम नहीं करे अटल जी ने बहुत सारी चीज़ें करी द काइंड ऑफ मोबाइल टेलीफोनी दट वेर यूजिंग इज थैंक्स टू अटल जी द काइंड ऑफ रोड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड रोड इट वी स्टार्टेड थैंक्स टू अटल जी जो हमारे डिस इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत सारा थैंक्स टू अटल जी राइट सो अब जो आपने बोला पोलिटिकल क्लाइमेट है अब बाउंड्रीज क्लियर हो गई हैं पोलिटिकल अवेयरनेस बहुत हाई हो गई है माई मदर हुई सेवेंटी प्लस शी ऑल्सो नोट बहुत जे एन यू रिप्रेजेंट्स माई मदर हु इन रिमोट यूपी और रिमोट उत्तराखंड शी ऑल्सो नोट आज मोदी जी ने क्या कहा है आज राहुल गांधी ने क्या कहा है तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गई है द लाइन आर वेरी क्लियर समन अंडरस्टैंड हु इज विद दिस थॉट एंड समन इज विद ऑल्टरनेट थॉट तो ये पोलिटिकल विच इज अ वेरी गुड पोलिटिकल क्लाइमेट लोग कहते हैं पोलराइज हो गया आई से द अपोजिट एम सी पीपल आर फार मोर अवेयर आज राष्ट्रपति का चुनाव भी ट्रैक किया जाता है राइट आप एक रैंडम किसी स्टेट छोटे स्टेट में भी चुनाव था वो भी ट्रैक किया था hmm. पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव तो हमें पता भी नहीं होते थे गवर्नर कौन किसका अपॉइंट हो गया पता भी नहीं होता आजकल तो गवर्नर भी सड़क में पूछेंगे तो लोगों को पता होगा हु इज द गवर्नर राइट सो वाई एम सेंग सो दिस इज गुड बिकॉज अ बेटर पोलिटिकली अवेयर पॉपुलेशन विल वोट फार मोर इन अ मोर इन्फॉर्म फैशन जो अच्छी एजुकेटेड मैनर इन्फॉर्म मैनर मतलब और सबसे अच्छी मुझे चीज दिखती है जब वो स्टेट और सेंटर में डिफरेंशियल पोलिंग होती है करेक्ट पॉइंट इन केस दिल्ली दिल्ली में इस समय केजरीवाल uh, अरेस्ट हुए हैं तो वो एक अलग माहौल है लेकिन वो केजरीवाल को असेंबली में वोट करते हैं लोकसभा में बीजेपी गेट्स ऑल द सेवन सीट्स बीजेडी राइट बीजेपी गेट गुड नंबर ऑफ सीट्स देयर गुड वोट शेयर इन लोकसभा एंड बीजेडी इज विनिंग एंड दिस टर्म इफ़ यू विंस अगेन पटनायक मिस्टर पटनायक राइट सो अगर आप ज्यादा इंफॉर्म्ड हो हो, हो हैं। और उस उसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट भी, भी कर रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आप ट्विटर में भी बोल रहे हैं आप मतलब एक नॉर्मल सिटीजन और ट्विटर में भी बोल रहे हैं आप इंस्टाग्राम में भी बोल रहे हैं आप फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बोल रहे हैं आप आपके जो जो आपके एलिमिनी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके कॉलोनी के टावर के व्हाट्सएप उसमें भी आप यू आर वेरी वोकल तो उसमें क्या थोड़ी फाइट भी होने लगी है हुँ. पहले ही एक्सप्रेस करने के मीस भी नहीं थे पहले बताइए एक नॉर्मल आदमी कहाँ पर अपनी पोलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा सोशल मीडिया था ही नहीं नहीं, मतलब क्या करेगा वो चाय सुट्टा ब्रेक पे कर लेगा उसमें कितना टाइम है और चार लोग खड़े हैं अभी तो क्या है आप नरेंद्र मोदी पे भी कमेंट कर सकते हैं आप राहुल गांधी पे भी कमेंट कर सकते हैं एक छोटा सा बालक शाम तो रायवा वायरल हो सकता है जिसके सो फॉलोर भी नहीं है क्या नहीं। पता उसका कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग है उसने कुछ ऐसी बात कही जो किसी और नहीं नोटिस करी राइट सो मेरे ख्याल से जो द लॉड ऑफ पीपल से द इंडिया वेरी पोलराइज इंडिया वेरी इफॉर्म एवरीबडी एज ओपिनियन एवरीबी एज अ रैशनल फॉर द ओपिनियन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द द्रेट गोस्ट नरेंद्र मोदी दट ही हैज मेड बट ही इज मेड एवरीबडी वेरी पोलिटिकली कल्चरली सोशली अवेयर राइट एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी और एक दादी माँ भी दोनों पोलिटिकली अवेयर है सोशली अवेयर है एंड दैट्स वाई देर वोटिंग विद ए कॉन्शियस Of today, hmm. I say. But sir, पे दो पार्ट्स होते अब ये जो आपने पोलराइजेशन okay. वाली बात की mm -hmm. तो आई अग्री लॉट ऑफ पीपल है कि वो किस तरफ लीन uh, right. करते हैं एंड विच इज अ गुड थिंग बट इसके वजह mm -hmm. से एक एनिमिटी भी बन गई है विच इज लाइक मुस्लिम टूडे फील की दे आर नॉट गुड इंडियंस दे आर मेड टू बिलीव दैट दे आर नॉट गुड इंडियंस एंड ये दो हजार चौदह के पहले नहीं था शायद तो mm -hmm. इस पीछे क्या रीजन एंड वट इज योर ओपिनियन अबाउट दट

उसका आपने सर्वे किया हो तो देन आई बिलीव योर वर्ल्ड राइट टू माई अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम को माइनॉरिटी की फीलिंग के लिए कॉन्शियसनेस देना दैट वॉज कांग्रेस बिगेस्ट मिस्टेक और बिगेस्ट हार्म कंट्री राइट देखिए आपका नाम है जयेश सुनने में मुझे गुजराती नाम लग रहा है, वो मारवाड़ी, है। मारवाड़ी नाम अगर मैं आपको रोज बोलू और मारवाड़ी कैसा है तो <tom> <tom> मैं आपको फील कर कि आपकी आइडेंटिटी यू आर नॉट जेस यू आर नॉट ए गुड पॉडकास्टर यू आर जस्ट अ मारवाड़ी पर्सन दैट्स ऑल राइट ये उनको फील करवाया यू आर नॉट सिटीजन यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर नॉट सिटीजन ऑफ मुंबई यू आर नॉट ए प्रोफेशनल यू आर नॉट ए पॉडकास्टर यू आर नॉट अ नाई धोबी वट एवर यू आर यू आर आ मुस्लिम राइट क्यों करा कि उसको उसका वोट चाहिए था क्योंकि अगर वो मुस्लिम नहीं फील करेगा तो तो फिर तो वो अच्छे बुरे के लिए वोट करेगा उसकी सड़क के लिए वोट करेगा तो कांग्रेस उसको वोट देख कांग्रेस का एक फॉर्मूला था बड़ा इजी फॉर्मूला था काम बहुत ज्यादा नहीं करो मुस्लिम को डराओ हिंदू से डराओ उसको एनब्लॉक दिखाओ एन hmm. ब्लॉक मतलब मुस्लिम में भी बहुत सारा अशरफ से लेकर पठान से लेकर बहुत सारा सर्टिफिकेशन hmm. है उसको कभी बात मत करो है hmm. ना उनमें भी सब शादी नहीं होता है घर में खाना नहीं खाते हैं उसके घर नहीं जाते हैं इसकी वाली मस्जिद है उसकी okay. सब है ऑल द दिसंस राइट जो 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 hmm. आ, शिया सुन्नी अहमदिया वो सब अलग है तो लॉट ऑफ सेक्ट्स एंड डिफरेंट फॉर्म राइट लेकिन उसकी बात मत करो hmm. उन सबको कंसोल्ट करो डरा के उनको करो कि देखो हम ही आपके मसीहाँ हैं और काम भी कुछ नहीं कर रहा उनके लिए ऐसा नहीं होता तो उनका agree, था। yes. फिर सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में वो नहीं आना पड़ता तो उनको हिंदू को हिंदू मत होने दो हिंदू ब्राह्मण हो, हो तुम ठाकुर हो तुम क्षत्रिय हो और फिर किसी एक दो कास्ट को लेके कॉम्बिनेशन बनाओ वोट ले लो और आपका काम हो गया फर्स्ट पास पोल सिस्टम में 25 30 परसेंट वोट आता है आपका सरकार बन जाता है और फिर उसने इधर से इधर से लिया मुस्लिम इधर से लिया एक दो कास्ट लिया और काम हो गया आपका 25 परसेंट तीस परसेंट वोट आया आपका सरकार बन गया हुँ. राइट यही उन्होंने मुलायम सिंह को सिखा दिया ये उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सिखा दिया ये उन्होंने मायावती को सिखा दिया तो कुछ ने कहा मैं मीम भीम ले लूंगा मेरा मुस्लिम मतलब और दलित ले लूंगा मेरा मेरा वोटर हो गया तो ट्वेंटी में मैं मायावती मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी अखिलेश ने कहा मैं एम ले लूंगा राइट मैं मैं मुस्लिम लूंगा मैं यादव लूंगा मैं सरकार बना बनाऊंगा राइट राइट सो ये ये कांग्रेस का एक एक कल्चर था राइट दे नेवर अलाउड ना तो इस इन द प्रोसेस उन्होंने मुस्लिम्स को डेवलप किया बहुत ज्यादा मतलब तो कुछ खास लोगों को कर लिया वो अलग बात hmm. है जस्ट एज 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 राइट राइट उनको मेन स्ट्रीम नहीं होने दिया right? और अभी भी उन्होंने उन मुस्लिम वॉइस को पकड़ लिया और एनी लॉ दे विल दे विल मेक श्योर कि वो बोलें कि सी आता है जबकि सी में वर्ड मुस्लिम भी नहीं लिखा है कहीं पर right. तो oh, hmm. मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन करा था कर उसमें उसमें एनी सेंट्रल पॉलिसी नॉट है वो कोर्ट में जाता है तो बीजेपी से एंटी मुस्लिम राइट right? तो क्योंकि उनको बीजेपी में एंटी मुस्लिम क्यों बोलना है बिकॉज उनको बीजेपी को शत्रु दिखाना है बीजेपी को शत्रु दिखाएंगे तो वोट कैसे लेंगे राइट right? तो अभी जैसे जैसे यूपी में वो प्लेआर्ट बहुत अच्छा होता है हुँ. तो हर आदमी कहता है अखिलेश यादव से आई एम मोर प्रो मुस्लिम I am, बिल से अभी तो मायावती थोड़ी सी जीण शीण हो गई मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम तो जो भी बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा मुस्लिम कम्युनिटी उसको वोट करेगी राइट right? तो ये जो है कि आम ए बेचारा मुस्लिम देखिए आप बेचारा होकर तो शाहरुख खान बन गए शाहरुख खान के पिक्चर के मुस्लिम लोग हिट करवाते हैं कंट्री मेक दिक्कत मूवी हिट राइट right? सलमान के, के पिक्चर के मुस्लिम लोग हिट कराते हैं राइट अजर टू मोहम्मद शमी उन वो वर लव्ड बाय एवरीवन अगर शमी ने विकेट लिया तो मैं को नहीं मुसलमान ने विकेट लिया मैं ऐसा नहीं सोचूंगा राइट टेल मी अ फील्ड जिसमें इफ इफ द पर्सन हैज अ कैलिबर अ मुस्लिम पर्सन और पर्सन ऑफ द माइनॉरिटी नॉट मायनारिटी द पीक इन इंडिया जर्नलिज्म में रूबिका लियात से लेकर आपको एक एक मुसलमान मिलेंगे बॉलीवुड hmm. में जो इंडिया, मैं आपको जो इंडिया में, sure. में आपको वो फील्ड बता रहा हूँ इंडिया में नोटेड है बॉलीवुड में आपको मुस्लिम पीपल एट द हाइट जुडिशियरी में आपको मुस्लिम पीपल द हाइस्ट पोजिशन मिलेंगे पॉलिटिक्स में आपको मुस्लिम पीपल एट द हाइस्ट पोजिशन मिलेंगे बीजेपी ने तो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भी बना दिया hmm. राइट uh, और क्या फील्ड बचा क्रिकेट में आपको मिलेंगे फुटबॉल hmm. uh, uh, हर फील्ड में मिलेंगे आपको राइट सो so, ये जो बेचारा मुस्लिम वाला नरेटिव है एक तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मुस्लिम को माइनॉरिटी कहना है मुझे अजीब लगता है लाइक करोड़ पीपल इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स लाइक इंडोनेशिया पाकिस्तान इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड राइट जो बड़े सेक्ट हैं आपको पता है तालिबान हम सुनते हैं hmm. तालिबान कम से देवबंदी सेक्ट यूपी में है right. वो देवबंद right. दूसरा उनका समाज है बरेली भी, वो बरेली में है hmm. तो उनके जो से सेक्ट भी यहां से आते हैं हमको माइनॉरिटी कैसे बोल सकते हैं राइट जैन कैन बी माइनॉरिटी पारसी कैन बी माइनॉरिटी राइट बट समन हुआ करोड़ करोड़ उनको एक फील करवाया गया और वो इतने जोर से फील करवाया कि वो जाते जाते भी समय लगेगा राइट तो आई थिंक थ्रू पॉडकास्ट दिस इज माई 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 रिक्वेस्ट माई माई प्लीड टू ऑल मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी कॉल इंडिया राइट जब एलन मस्क से लेकर जो बाइडन से लेकर ट्रंप दे ऑल आर गागा अबाउट इंडिया राइट

इसके मैं दो आंसर दूंगा आपके जो सेकंड क्वेश्चन से, से शु, शुरू करता हूं डोंट मुस्लिम्स नीड अ वॉइस राइट जो मैंने पहला क्वेश्चन कहा पहला आपको आंसर दिया कि कांग्रेस ने उनको एक तरह से बेचारा बनाकर रखा है mm. ना और उनको एक आइडेंटिटी के लिए कॉन्शियसनेस करवाया mm. कि देखो तुम मुस्लिम हो तुमको तो हम ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट दिस आइडिया दैट ओनली अ मुस्लिम कैन रिप्रेजेंट अ मुस्लिम इफ यू एग्री विद दिस कॉरोलरी और थ्योरम देन एक्सटेंडेड थ्योरम टू एवरी राइट right? हम ही थोड़ा बाकी जगह क्यों नहीं लेके जाते क्योंकि वो उन्होंने बोल बहुत दिया इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि उतने जैन हैं क्या पार्लियामेंट में उतने होमोसेक्शल्स हैं क्या पार्लियामेंट में ऐसा बोलते हैं कभी मैंने तो नहीं सुना किसी बड़े एक्टिविस्ट ने बोलता हुआ उतनी औरतें चलो औरतों का तो अब नरेंद्र मोदी ओनली ब्रॉड द लॉ कि थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन होगा जब वो डिलिमिटेशन हो जाएगा तो पाँच छः साल में वो वो हो जाएगा उतने पारसी हैं क्या उतने एंग्लो इंडियन है क्या या और भी इतने भाषा के लोग हैं क्या इतने कोंकणी हैं क्या हमारे यहाँ इतने भोजपुरी हैं क्या हमारे यहाँ तो वो वो यही में ये भी बेचारा फैक्टर है कि मैं मुस्लिम को कह कि आपका रिप्रेजेंटेशन है क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन सबका पूछो ना फिर आप तो वो वो कैटेगरी को कर करके कर करके कर करके कर, 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 मुस्लिम ही मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर सकता है या हिंदू हिंदू को रिप्रेजेंट कर सकता है या ये कास्ट का ये कास्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीलिंग ही डिस्प्लेस्ड है राइट दैट्स वन सेकंड थिंग एज 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 यू सेड कि बीजेपी में द क्वेश्चन बीजेपी में मुस्लिम लोकसभा एमपी क्यों नहीं राइट तो थैंक्स कांग्रेस कांग्रेस ने बीजेपी 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 की की या BJP को मैं 1980 की पार्टी नहीं मानता हूं बीजेपी को आपको कम से भारतीय जनसंघ बना hmm. जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया वही जनसंघ फिर सेवन uh, में जनता पार्टी में विलीन hmm. हो गया और फिर वो गया uh, अटल बिहारी वाजपेयी नडवाणी टू भारतीय जनता पार्टी तो वो भी 1950 से पार्टी है hmm. अब उस समय से उन्होंने उनको एक ब्रैकेट में डालने में सफल हो गया एंड दैट टाइम कांग्रेस रनिंग में सारा मशीन उनके पास था दूरदर्शन उनके पास था दो पेपर चलते थे उसके मालिकों को वो जानते थे राइट इमरजेंसी में तो हमने देखा ही वो जो दो तीन पेपर थे उनके ऑफिस भी तोड़वा दिए इंदिरा गांधी hmm. ने राइट right? तो थैंक्स टू कांग्रेस एंड यू शुड सल्यूट कांग्रेस दैट देवर एबल टू ब्रैकेट बीजेपी इन टू अंदू पार्टी बहुत सारे उन्होंने लेबल्स लगा दिए इट्स अ बीजेपी और जनसंघ आई एम से आई एम इंटरचेंजिंग द नेम्स राइट ये हिंदू पार्टी है ये बनिया ब्राह्मण पार्टी है ये काउबेल्ट पार्टी है ये hmm. हिंदी स्पीकिंग पार्टी है या नॉर्थ नॉर्थ बहुत सारे टर्म्स दे दिए दे आर वेरी स्मार्टली एबल टू मार्केटेड एंड ब्रैकेट दैम तो वो फीलिंग बाहर आते आते अभी अभी तक नहीं आ पाया hmm. गुजरात में मैं देखता हूँ कुछ पार्षद आते हैं कभी भाजपा में अपना माइनॉरिटी सेल है उसमें लोग होते हैं जो बड़े लीडर ब, आ, 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 बन जाते हैं भाजपा ने पहला मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट दिया इस कंट्री को देयर कैन बी हेयर एंड देयर राइट लेकिन दैट्स ब्रिलियंस ऑफ कांग्रेस दैर दे विल टू ब्रैकेट बीजेपी इज एंटी मुस्लिम पार्टी जबकि जब नितिन गडकरी सड़क बनाते हैं तो उसमें कोई टोल में नहीं आपका रिलीजन नहीं पूछा जाता है जब नरेंद्र मोदी घर देते हैं या टॉयलेट देते हैं या गैस स्टोव देते हैं या डी देते हैं उसमें कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है बल्कि बिकॉज दे आर मोर इम्पावरिस्ड थैंक्स टू कांग्रेस उनको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि sure. जितने भी स्कीम है वो तो इम्पावरिस्ट नेचर इकोनॉमिक स्टेटस पे आ, मिलते हैं बीपीएल होने पे मिलते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है राइट hmm. right? तो आपको देखेंगे दलित कम्युनिटी में ओबीसी कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा हेल्प जा रही है राइट right. right? अगर आप नापेंगे तो उनको तो ज्यादा हेल्प इस गवर्नमेंट में हुई है विच इज कंसिडर एंटी एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट राइट सो ये ये कहना एंड एंड बिकॉज देखिए भाजपा किसी को टिकट इसलिए नहीं देती है कि वो मुस्लिम है हिंदू है किस कास्ट का टिकट मिलता है प्योर एंड पोर विनेबिलिटी के बेसिस में तो नाउ

कि दे कैन पुट मुस्लिम कैंडिडेट एंड विन राइट जहां पे उनको लगेगा केरला केरला में है केरला में अभी दिया है उन्होंने अभी मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी लेकिन uh, right? so, right? hmm. वो देख रहे हैं कि हमारा ये मुस्लिम क्रिश्चियन नॉन हिंदू कैंडिडेट विनेबल भी हो दे विल नॉट जस्ट पुट अ कैंडिडेट

टू क्वेश्चन सी ए लॉ क्या है दो हजार चौदह इकतीस दिसंबर से पहले जो भारत में आ चुके हैं जो देर नो न्यू पर्सन जो जो केजरीवाल जी कहते हैं तीन करोड़ लोग आ जाएंगे That's totally उनको so उन एक और केस लगना चाहिए अवा फैलाने का राइट hmm. right? और जो इंटेलिजेंस का नंबर है hmm. so

माइनॉरिटी होगा माइजोरिटी होगा माइनॉरिटी माइनॉरिटी होगा राइट जो और वहां तो हमने, हमने रोज एग्जांपल देखते हैं बांग्लादेश का तो बहुत रीसेंट एग्जांपल्स भी है तो रोज के हैं मतलब आप सर्च करोगे तो मतलब उनके मंदिर तोड़ना उनको मारना लड़कियों का रेप करना कन्वर्ट करना फोर्सबली सब कुछ होता है उनके बिजनेस तबाह करना उनकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी उससे कितनी छोटी हो गई राइट सो बांग्लादेश में कितने हिंदू थे नाइनटीन में राज कितना परसेंटेज हिंदू है पाकिस्तान में कितने अफगानिस्तान में कितने उसमें तो अपोजिशन भी कुछ नहीं कहेगाट्स पॉइंट टू आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू नाइन सेवन एंड इंपॉर्टेंट टू डेट्स रिगार्डिंग सी ए नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो हिंदू वहाँ रह गए hmm. उनको केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं वो तो आप कहेंगे अरे वो तो हिंदू महासभा वाले हैं वो तो जनसंघ वाले हैं समन एज हाई एज नेहरू एंड महात्मा गांधी है एश्योरेंस टू द हिंदूज एंड सिख्स एंड द माइनॉरिटी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कि भाई उनको लगा भाई हम तो आ नहीं सकते भाई हर आदमी को लॉजिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं, नहीं था ना आना उस समय कि आप वहाँ रहिए और आपको कुछ भी होता है तो इस देश के दरवाजे आपके लिए हर समय के लिए खुले हैं हम बाहें खलाएं ये सब वर्ड्स हैं नोटेड वर्ड्स हैं आप चेक कर सकते okay. हैं हम ये देश आपके लिए बाहें फलाएं खड़ा रहेगा बट दिन नॉट डू एनी तो आज वो जब वापस आ रहे हैं नरेंद्र मोदी मेकिंग इट इजी तो इट्स नॉट भाई अब आप, आप कह रहे हैं कि आ, आ, मुस्लिम परसिक्यूट होगा पाकिस्तान में तो वो तो फिर भाई आपने कंट्री ही एक रिलीजन के हिसाब में बनाई है सो दैट्स नॉट अ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दैट समथिंग एल्स राइट अब इस्लाम के अंदर का कुछ प्रॉब्लम आपस में कि अहमदिया को कर रहे हैं शिया को कर रहे हैं बट इंडियन गवर्नमेंट इज तो नॉट देयर टू रिफॉर्म इस्लाम राइट hmm. वो इस्लाम में कुछ रिफॉर्म लाना है तो वो उनके मौलवीज़ करेंगे उसके hmm. रिलीजियस लीडर करेंगे वो तो कह रहे भाई कौन प्रसिक्यूट होगा उन कंट्रीज में रिलीजियस कंट्रीज में जो माइनॉरिटी है रिलीजियस माइनॉरिटी है

तो इसलिए आई थिंक कनेक्टिंग द टू डॉट्स वेयर्ड कनेक्शन राइट इज उसमें कहीं पे भी uh, मतलब हर चीज में आप एंटी मुस्लिम ढूंढ लें तो फिर देन यू कैन यू कैन बी वेरी इनोवेटिव इट्स अ प्रो हिंदू और प्रो सिक्ड प्रो क्रिश्चियन और प्रो पारसी लॉ नॉट एंटी मुस्लिम लॉ राइट बट सर अगर हम क्रिस्टानिटी को हटा दें ऑल द अदर सेक्ट्स ऑफ द रिलीजन्स मतलब उसमें आप जैनिज्म ले लीजिए सिखिज्म ले yeah. लीजिए कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज कनेक्ट विथ हिंदुइज्म तो एक तरह से ये तो समझ में आता है कि फिर ठीक <coughs> है मतलब इफ दे डोंट हैव अ वॉइस इन द पार्लियामेंट वो ठीक है आई कैन से सेक इट विल वर्क बट देन मुस्लिम्स इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू डोंट दे रिक्वायर अ वॉइस दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ माई क्वेश्चन मैं तो फिर आई से सेम आगूमेंट राइट मैं मैं तो कहूंगा फिर सेम uh, देखिए क्या होता है जो माइनॉरिटी वोकल होती है उसका प्रश्न पूछा जा सकता है ना आप मुझसे 20 मिनट से पिछले मुस्लिम मुस्लिम ही पूछ रहे हैं आपने इतनी देर में महिला नहीं कहा जबकि विच इज आधी आबादी फार मोर देन द मुस्लिम फोर्टीन परसेंट अब इतनी देर से मुझसे फिफ्टी परसेंट का क्वेश्चन नहीं सूचना इसलिए आपके कॉन्शियस मैं भी इतना मुस्लिम मुस्लिम भर दिया hmm. गया है कि अरे वेचारों के साथ क्या हो रहा है बेचारों के साथ क्या हो मैं तो बता रहा हूँ बेचारा तो शाहरुख खान बन गया बेचारा तो मोहम्मद शमी बन गया बेचारा hmm. तो रूबिकल याकत बन गया राइट बेचारा तो एपीजे अब्दुल कलाम बन गया अगर hmm. ऐसा बेचारा तो एवरी कंट्री में ऐसा बेचारा होना चाहिए राइट इज द बेचारा वो हमारे दिमाग में कांग्रेस ने इतनी स्मार्टली भर दिया ना मुस्लिम तो बेचारा है बेचारा डरा मुस्लिम डरा हुआ मुस्लिम सो आई थिंक दैट इज मेकिंग दीज क्वेश्चन अगर यही कि किसी जैन ने कर दिया होता तो जैन तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया राइट तो को, तो तो शायद हम जैन का क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। और वो एक साइजेबल वोट बैंक है हुँ. जैसे मैं आपको एक्जाम्पल बताता हूँ मैं थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूँ बट लार्जर पॉइंट दस रहा हूँ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है चेंज लॉट ऑफ नेम्स है ना सड़कों के नाम चेंज करें कुछ यूपी में योगित नाथ जी ने करें कुछ नरेंद्र मोदी ने करें जैसे औरंगजेब रोड का नाम जो दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंट रोड है उसका नाम ए पी जे अबुल कलाम रोड राइट Uh, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया uh, अलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है ना सम नेम्स लाइक लाइक अयोध्या आर नॉट इवन नेम चेंज देर रिवर्टिंग बैट टू द दरिजिनल राइट प्रयागराज इज रिवर्टिंग बैट टू द ओरिजिनल नेम बट समथिंग औरंगजेब इज लाइक चेंजिंग द नेम है ना उसका कोई एंशंट नेम रहा hmm. होगा है ना वैसे तो दिल्ली uh, उस तरह से बसा ही नया है राइट अब यहाँ पे आपको लगेगा नाम क्यों चेंज हुआ पहले कभी नाम चेंज हुआ था हमको जाना पड़ेगा पहले कि कहीं और नाम चेंज इन यूएस एंड यूके आल्सो नेम्स आर गेटिंग चेंज्ड राइट right? जब हमने हम यहाँ पे ये मुंबई में शूट कर रहे हैं मुंबई के पास शूट कर रहे हैं जब हमने बॉम्बे का नाम मुंबई करा तो नाम चेंज करा हमने hmm. बचपन में नहीं चेंज करा हमने जब मद्रास का नाम चेन्नई करा तो हमने ज्यादा बेसिकली वी चेंज टू द मोर कल्चरली रेलिवेंट नेम इज अ गुड थिंग राइट जैसे ही नाइनटीन में हम आजाद होते हैं नेहरू गवर्नमेंट पुट्स अ कमीशन टू चेंज नेम्स और बहुत सारे एंग्लो इंडियन नाम चेंज हो गए राइट द किंग्स रोड एंड क्विंस रोड बिकेम राजपथ एंड जनपद राजपथ और नाम नहीं चेंज करा कैन यू इमेजिन वाई अपीजमेंट नहीं बट इसका क्यों नाम चेंज इसका इसका भी अपीजमेंट होता क्योंकि ये बचे ही नहीं ना यहाँ पे दिस इज अ गारंटी अगर पांच परसेंट आठ परसेंट एंग्लो इंडियन भारत में रुक गए होते तो किंग्स रोड और क्विंग्स रोड भी रहता ओके राइट बिकॉज दे वॉज नॉट अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर इंडियंस एंड हुए वोटर फॉर नेहरू इजर इंडिया चेंज कर तो चलेगा मुझे थोड़ा सा नेशनलिस्ट भी दिखना चाहिए है ना? बट दैट्स माई वोट बैंक औरंगजेब रोड नाम रखना इज सच ए डिसरेस्पेक्ट टू सिक्स

जहां पे लगाए थे उन्होंने हम सोच भी नहीं सकते राइट राइट इज क्राइम इन इन कंट्रीज़ ही नहीं था जीव उसको मारा ही नहीं गया था आपको जेल में डाल दिया जाएगा hmm. हमारे यहां तो बड़े नाम से तो नहीं नहीं। की आती हैं रडगर यूनिवर्सिटीज कहती है, है औरंगजेब ने तो कुछ कराई नहीं गुड गाय राइट और वो चले भी जाती है hmm. अगर ऐसा आप यूरोप में करके चले हो, आप यूरोप में जाए बोले होलोकास्ट हुआ नहीं था आपको जेल में डाल देंगे राइट तो हमारे यहाँ डिनाइल

साइड में रखा उन्हें एंड हिंदूस को डिवाइड कर दिया गया एंड देन जब बीजेपी आके हिंदूज के लिए कुछ भी करते हैं वी फील कि ओके ये तो सिर्फ हिंदूज के लिए ही रहा है दैट हैज बीन द कंडीशनिंग बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट बीजेपी वर्किंग फॉर द मुस्लिम्स एज वेल

अगर इन द प्रोसेस यू एंड अप डूइंग द थिंग देन आई एम फाइन राइट बट अगर आप यूजिंग उसको वोट बैंक के लिए यूज करें देन आई दैट देन आई हैव प्रॉब्लम राइट मुस्लिम वुमेन रियली हैड अ प्रॉब्लम राइट लॉट ऑफ मुस्लिम लॉज आर अराउंड दैट राइट कि भाई uh, दो मुस्लिम औरतों का मत एक मुस्लिम मर्द के बराबर होगा या समन लाइक ट्रिपल तलाक समन लाइक ट्रिपल तलाक एंड थिंग्स अराउंड दैट राइट तो ट्रिपल तलाक को खत्म करा उसको वो करना ही था राइट देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदू समाज में जो भी फ्लॉज आए उसको किसी हिंदू ने ठीक कर दिया है ना कोई भी हमारे हाँ। अगर कास्ट के अराउंड जो प्रॉब्लम है उसके अराउंड जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं वीट वीर सावरकर टू तो हो राइट और बी आर फ्रॉम द हिंदू फोल्ड लेकिन मुस्लिम समाज में जो अट्रोसिटीज थी वुमेन या किसी के अराउंड उसको आने के लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है राइट तो एंड देन वील ट्राई टू ब्रैकेट एरें औरत के लिए करा क्योंकि आपने अपने समाज में कुछ नहीं करा हमको जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे समाज में कोई खड़ा हो गया कोई औरत ही खड़ी हो गई या कोई और रिफॉर्मर खड़ा हो गया राइट बिकॉज दे हैव लेफ्ट कि पसंदा मुसलमान को हम हम लाएंगे भी नहीं अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पसलम लॉ बोल्ड उसमें एक ही कैटेगरी के लोग होंगे फ्रॉम गेट्स टुगेदर एंड नो बडी इज पॉइंटिंग द डाउट राइट कोई तो बात भी नहीं कर रहा है सो देर दे आर पॉइंटिंग द डाउट नाउ फाइनली कि कोई उनकी उनकी रिप्रेजेंटेशन करा है हाँ अगर वो केवल बोलते रहे और कुछ करे ना देन देल कॉलेडर ऑफ अपीजमेंट कि औरतों के लिए कुछ नहीं करें वो बस बोलते रहे सो दैट दे विल फील लेकिन आई थिंक इन इन टूडेज वर्ल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ कांग्रेस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स सी कांग्रेस डिट पॉलिटिक्स इन ईजी टाइम्स जब मीडिया नहीं था आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे दूरदर्शन वॉज ओनली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चार पेपर चलते थे एरिया में रेडियो से तो बात पता लगती थी आज घबर घटना होती थी चार दिन बाद तो पहुंच पाती थी गांव गांव तक राइट अभी आप एक झूठ बोल दूंगा मैं अभी शाम तक कोई छोटा बच्चा उस पर करेक्शन कर देगा सो आई थिंक पॉलिटिक्स इज टूडे फार मोर डिफिकल्ट पॉलिटिक्स राइट वर्सेस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ थर्टी ईयर्स बैक शॉर्क राइट इवन फिफ्टीन ईयर्स बैक तब मीडिया नहीं था अब तो एवरी वन सबके लिए yeah, yeah, yeah. you know, right? yeah. भैया सामने yeah. कुछ हो रहा है मैंने लाइव कर दिया जाते हैं तो जब आएगा तब आएगा वहां पे तभी हमें पॉलिटिक्स ऑफ ओनली स्पीकिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डे क्योंकि कहते हैं देखो आपने कहा तो वो तो आप कर नहीं रहे राइट सो आई थिंक बीजेपी द पॉलिटिक्सेशन किूट गया है आदमी वुमेन छूट गई हैं पसमंदा छूट गया एक्स छूट गया वाई छूट mm. गया दे विल मेड अकाउंटेबल टू दैट कि देखो आपने बोला था हुआ था कुछ नहीं है सो दैट्स मीन टूडे डूइंग पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन इज फार मोर डिफिकल्ट एंड यू विल मेड अकाउंटेबल विद इन स्पेन ऑफ टाइम टॉकिंग पॉलिटिक्स एक जो मिशन मिशन है <coughs> देखे, uh, कि इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा इन पार्लियामेंट एंड सेट तीन सौ सत्तर स्पेसिफिक अबाउट इट कि तीन सौ सत्तर भाजपा की सीट आएंगी hmm. और एनडीए मिला के चार सौ की आएंगी राइट hmm. right? उन्होंने एनडीए को ऑलमोस्ट ही रखा बल्कि एनडीए को थोड़ा कम कर दिया मुझे लगता है उन्होंने क्योंकि अगर मैं पिछली सीट देखू तो तीन सीट आई थी भाजपा की टू में hmm. और करीब तीन सौ चालीस तीन सौ पैतालीस के एनडीए hmm. so, की आई थी तो एंडियो की तीस चालीस सीट थी फाइन की एनडीए की तो तीस चालीस आएंगे भाजपा तीन सौ तीन सौ सत्तर हो जाएंगे राइट पर्पस माइड बी मनी राइट वन इज रीडिंग ऑन द ग्राउंड राइट नो बडी विल डनाई ही इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट द मोस्ट कनेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना वो मन की बात से भी बात करते हैं वो सोशल मीडिया से भी बात करते हैं वो बच्चों के एग्जाम आते हैं तो परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं ही विल रैंडमली स्टॉप एट अ प्लेस पिक अ किड टॉक टू अ किड ही विल गो अब्रॉड एंड गैदर अ क्राउड विच इज मोर देन अ प्राइम प्राइमिन प्रेजेंट ऑफ दैट कंट्री कैन गैदर राइट सो ही इज द वेरी कनेक्टेड पर्सन राइट एंड ही कम्स फ्रॉम अ संग बैकग्राउंड जहाँ पे उन्होंने इतने घरों में रहे हैं वो उनके लिए ट्यूशन नहीं है ना उनके right. लिए गरीबी ट्यूशन है ना उनके लिए किसान ट्यूशन है जैसे फॉर ए राहुल गांधी ज अ ट्यूशन क्लास शॉक उनके ट्यूटर भी जयराम रमेश और सैम पटोटा जैसे ट्यूटर है उनके पास राइट जिनको खुद भी पॉवर्टी नहीं पता नरेंद्र मोदी के लिए दिस इज लाइक नेचुरल लाइफ राइट सो ही इज अली कनेक्टेड पर्सन राइट सो ही नरेंद्र मोदी इज अनेक्टेड पर्सन सो हीज असर आफ्टर ट्रैवलिंग इन इंडिया आफ्टर कनेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम लास्ट टेन ईयर दैट दर इज अज इन द वर्क दैट इज डूंग राइट्स वन राइट ही ही हैज़ कल्टिवेटेड टूट टू काइंड ऑफ वोटर्स राइट जैसे मैंने कांग्रेस का बताया कांग्रेस की एक टेक्निक थी चुनाव जीतने की मुस्लिम को अपीस करो हिंदुओं को बांटो तीस परसेंट वोट लो चुनाव जीत जाओ नरेंद्र मोदी हैज ए टेक्निक नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं कंसोलिडेट करूंगा मैं लोगों को जो लोअर पैरामिड में है इकोनॉमिक दे विल वोट फॉर मी एज अ बेनिफिशरी नॉट एज देयर आइडेंटिटी दे विल वोट फॉर मी बिकॉज द वुमेन इन द हाउस गॉड अ हाउस पक्का हाउस बिकॉज अर्लियर उसको सुबह सुबह जाना पड़ता था सूरज उगने से पहले जिससे लोग ना देख लें. उसको दो घंटे पानी लेने जाना पड़ता था दो घंटे सिर पर लकड़ी लेने जाना पड़ता था अभी उसके लिए नल इज मैजिक फॉर हर. मैंने देखा है औरतों को उनके लिए नल मैजिक होता है राइट hmm. right? उनके लिए गैस का स्टोव मैजिक होता है बिकॉज गैस का स्टोव मीनिंग वन एंड हाफ आवर्स लकड़ी तोड़ के लेके आना और वो सारा फ्यूम उगना विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड डे तो दैट सेंस ही हैज हैज एंड ही समथिंग अ बेनिफिशियरी वोटर जिसको बेनिफिट है वो मुसलमान औरत भी हो सकती है वो हिंदू औरत भी हो सकती है वो ब्राह्मण औरत भी हो सकती है वो दलित औरत भी हो सकती है वो नॉर्थ इंडियन औरत भी हो सकती है वो साउथ इंडियन मतलब जो भी आइडेंटिटी हो सकती है उसकी वो बुढ़ी औरत भी हो सकती है वो जवान औरत भी हो सकती है राइट right? तो एक एक उन्होंने आइडेंटिटी ट्रैप से बाहर ला के उसको बेनिफिशियरी वोटर की तरह लाना शुरू करा दूसरा उसने जो हिंदू थे उनको हिंदू की तरह बिहेव और फील कराना शुरू करा राइट अर्लियर क्या होता था हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते थे विदेश में तो ताजमहल गिफ्ट करते थे अभी जाते हैं तो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं अभी केदारनाथ का मंदिर टूटता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं आई विल आई विल गेट इट मुझे कोई नेहरू जैसा प्रॉब्लम नहीं है नेहरू जी को सोमनाथ का मंदिर ठीक हो रहा था तो बहुत गिल्ट था उनको कि भाई भाई ये ये तो हिंदू रिवाइवलिज्म लगेगा उन्होंने रजन प्रसाद को जाने तक नहीं दिया वहाँ पर फाइनली वो गए बात में लेकिन ही हीरो लेटर आफ्टर लेटर ही लेटर्स टू इज एम पीज की महा मत जाओ राइट ही ऑलमोस्ट बाइकऑटेड दैट दैट सेट ऑफ पीपल हु अटेंडेड दट सेरेमनी यहां पर नरेंद्र मोदी सोमनाथ का मंदिर और भव्य बनवाते हैं अपने टेनियोर में वो केदारनाथ का मंदिर भव्य बनाते हैं वो राम मंदिर में कॉन्सिक्वेंशल होते हैं और ग्यारह दिन की पूरी तपस्या के बाद फास्ट के बाद ही हैज नो क्वाम्स इन डूइंग द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ अयोध्या टेम्पल जबकि लोगों ने कहा तो रिलीजियस सेरेमनी है सेकुलर होगा नहीं होगा वो काशी के मंदिर को इतना भव्य कर देते हैं जो महाराष्ट्र से आई हुई अहिल्याई होलकर ने किया था ढाई साल पहले ढाई साल तक किसी ने मंदिर को टच ही नहीं करा डरते हुए अरे इसको हम वी शुड नॉट लुक दिस ऑन दैट राइट हम ऐसे इस सेक्ट के उस सेट के ना लगे आज जाके नरेंद्र मोदी टच कर रहे हैं वो उज्जैन महाकाल को टच कर रहे हैं वो ओंकारेश्वर को टच कर रहे हैं उनका कोई प्राइमिनिस्टर बाहर से आता है तो किसी को जी पिंग को वो तमिलनाडु के मंदिरों में ले जाते हैं किसी को वो शिंजो आबे को वो बनारस के घाट पर ला के आरती कर ले जाते हैं मैक्रो आते हैं तो उनको हवा महल दिखाने ले जाते हैं तो इज वेरी कल्चरली कनेक्टेड ही एन श्योर दैट बींग ए हिंदू इज नॉट अ टीका लगाओ ना अगर आपकी आइडेंटिटी है तो क्या प्रॉब्लम राइट आप जय श्री राम बोलो ना अगर आपको प्रॉब्लम है uh, राधे राधे जय श्री राम जय श्री कृष्ण आर द ग्रीटिंग्स इन द रूरल रूरल इंडिया राइट एंड दे आर नॉट वॉर क्राइज वो yeah. किसी yeah. को मारने के लिए नहीं बोलते हैं राइट सो ही इज इज ही ही मेड पीपल फील प्राइड अबाउट दिस हिंदू आइडेंटिटी सो देन ऑल्सो पीपल स्टार्टेड वोटिंग बींग हिंदू अगर उसको आइडेंटिटी के लिए वोट करना भी है mm. तो अब वो जाट की तरह है वो मराठा की तरह है वो दलित की तरह है वो ओबीसी की तरह है

इससे ये वोटर पंद्रह करोड़ वोटर ऐड हो गया नाउ ही टॉकिंग इन इन आई हर्ड ही सेइंग बीजेपी शुड टारगेट थर्टी फाइव टू थर्टी सेवन करोड़ वोट हुँ. तो दो दो फिनोमेना है जैसे जैसे जय जै आपकी गवर्नेंस बढ़ती है मैं एक्सएक्सेस में गवर्नेंस प्लॉट करता हूं और वाई एक्सेस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्लॉट करता हूं अगर आपके व्यूअर्स में मैथमेटिक बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स फॉलो करते होंगे जैसे जैसे गवर्नेंस अच्छी होती जाती है मतलब मेरी स्कीम मिलती जाती है मुझे मेरी एंटीटी पॉलिटिक्स कम होती जाती है शो sure. अगर अगर मुझे पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए ढूंढना पड़े अरे मेरी कास्ट का पुलिस वाला कौन है hmm. वहाँ पर रिपोर्ट करवाऊंगा या फिर मैं चार अपने बाहुबली ढूंढ लेता हूँ अपनी कम्युनिटी के वो मुझे राशन दिलवाएंगे वो मुझे घर दिलवाएंगे गवर्नमेंट की स्कीम का राइट तो आपकी कास्ट की कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी एंड यू विल यूज़ कास्ट एज अ पैरामीटर फॉर वोटिंग लेकिन जब गवर्नमेंट आपकी एफिशिएंट हो जाएगी जब आपका डीबीटी से पैसा आने लगेगा चार करोड़ लोगों को घर मिलने लगेगा दस करोड़ लोगों को टॉयलेट मिलने लगेगा पीएम किसान मिलने लगेगा राशन मिलने लगेगा देन आपकी आइडेंटिटी के बेस पे वोटिंग कम होती जाएगी सेकंड थिंग जैसे जैसे आपकी हिंदू आइडेंटिटी में प्राइड बढ़ती जाएगी आपकी आइडेंटिटी एज अ कास्ट कम होती जाएगी तो दिस टू ही हैज़ कंसोलिडेटेड तो ये उनको फीलिंग है ये आपको अच्छा नंबर देगी और उनको उसको उन्होंने चार पार उस नंबर को बोला लेकिन

क्या क्या आपको करना पड़ेगा पहले जहां पे आपने सैचुरेट करा था उस सैचुरेट को आपको रिपीट करना पड़ेगा hmm. कहां पे सैचुरेट करा था आपने सैचुरेट का मतलब ऑलमोस्ट आप 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 पूरी सीटें ले आए थे या फिर एक दो सीटें कम थी गुजरात सैचुरेट मध्य प्रदेश सैचुरेट राजस्थान सैचुरेट छत्तीसगढ़ सैचुरेट झारखंड सैचुरेट राइट वेलकम टू बिहार एंड कर्नाटका लेटर बिकॉज दे हैड ट्रबल नाओ लिल बिट राइट उत्तराखंड सैचुरेट दिल्ली सैचुरेट हिमाचल सैचुरेट तो ये बहुत सारी जो नॉर्थ बेल्ट थी इंक्लूडिंग गुजरात ऑल्सो ये सैचुरेट हो चुका था पूरा बटा पूरा आ गया था राइट तो वो तो भाजपा को रिपीट करना भी है और वो रिपीट हो भी जाएगा जो पिछली बार क्लोज टू सैचुरेट हो गए थे उसमें तीन थोड़े ट्रबल स्टेट थे एटलीस्ट एयर एंड हाफ टैक देवर महाराष्ट्र बिहार एंड कर्नाटका कर्नाटका क्योंकि इलेक्शन लूज कर गए थे वोट परसेंटेज कम हो गया था बिहार बिकॉज नीतीश कुमार आपका बड़ा पार्टनर चला गया था एंड महाराष्ट्र ऑल्सो बिकॉज योर पार्टनर डिज ड्यू शिवसेना विच इज नाउ शिवसेना उद्धव ठाकरे उन्होंने uh, उनको उन्हों चीफ मिनिस्टर बनने का लालच आ गया उन्होंने दगा दे के चले गए ये तीनों स्टेट में वोट कॉम्बिनेशन मुश्किल हो रहा था टू ईयर्स बैक लेकिन नीतीश कुमार वापस आ गए सो बिहार इज अगेन सिक्योर दे गॉट थर्टी नाइन अर्ली दे मे रिपीट द परफॉर्मेंस वन और टू सीट हेर एंड देर महाराष्ट्र एन सी पी इज इंटू टू फोल्ड नाउ शिवसेना इज इन टू फोल्ड नाउ दो महाराष्ट्र इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रीड बिकॉज यू डोंट नो द बीस्ट कॉल्ड महाराष्ट्र नाउ आई एम नॉट कॉलिंग महाराष्ट्र बीस्ट द पोलिटिकल इक्वेशन बिकॉज एनसीपी फैक्शंस शिवसेना right. फैक्शन में नहीं गए लेकिन जो लॉस होने वाला था वो रिकवर हो गया और कर्नाटका में आपने जीडीएस से टाइप कर लिया तो आप 303 तो पक्का आ ही रहे हैं। और आपको गेंस आपको गेंद कहां पर हो रहे हैं यूपी में आपको इजिली गेन हो रहा है आप साठ से सत्तर पचहत्तर पहुंच रहे आपको बंगाल में गेन हो रहा है आपको तमिलनाडु में गेन हो रहा है आपको आंध्रा में बहुत अच्छा गेन हो रहा है hmm. तो तारे तारे जनसेना, hmm. आ, आपको केरला में गेन हो रहा है, राइट तो ये जो गेन्स हैं, ये 20, 30, 40 के हो सकते हैं विच विल टेक बीजेपी राइट विच इज क्लोज टू हाँ अगर ये गेन्स कम हुए तो द बीजेपी विल इज कमिंग इन नरेंद्र मोदी द नंबर ऑफ थ्री एंड फोर में, में, right. में, so, में बीजेडी के साथ था बट अभी वो बात नहीं बन रही बट देन बात तो की थी उन्होंने तो जिन लोगों को उन्होंने अपोज किया उन्हीं के साथ में नाउ दे आर मेकिंग अलायसेज जबकि दे आर श्योर की हम थ्री सेवेंटी लिखेंगे

राइट सो बीजेपी हैज आई थिंक मेंटेन द कोलेशन धर्मा और आपको पता है कोलेशन में पार्टी लाइक बीजेपी को दो तरीके हैं आपको आ, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए राइट right? एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ में अपने आप ही ग्रोथ करूंगा नए प्रोडक्ट्स बनाऊंगा राइट right? नई चीजें नई चीज़ें डिस्कवर करूंगा एक है आ, लेटरल एंट्रीज राइट right? कि मैं एक कंपनी को एक्वायर कर लूंगा राइट right? तो एट टाइम्स इन एनी कंपनीज ग्रोथ और एनी ग्रोथ यू हैव टू डू मिक्स ऑफ बोथ राइट आप ऑर्गेनिक ग्रोथ भी करेंगे आप जैसे नरेंद्र मोदी से ऑर्गेनिक ग्रोथ अटल बिहारी वाजपेयी ऑर्गेनिक ग्रोथ पचास पचास साल की राजनीति करती है फिर वो बने राइट right? ज्योतिरादित्य सिंधिया इज एटर एंट्री hmm. हेमंत बिस्वा इज एटल एंट्री राइट right? और इवन समन लाइ अनलाइज ए लिटर एंट्री दो ही ही डजन कम फ्राम पोलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है लेकिन बीजेपी में uh, बीजेपी तमिलनाडु में और बड़े बड़े लीडर्स भी थे लेकिन फोर्टी ईयर ओल्ड गाय हुए एक्स आई पी एस आई एम लखनऊ कमिंग फ्रॉम ए वेरी रूरल फार्मर बैकग्राउंड वो आपने अडॉप्ट कर लिए यहाँ पर आपको पोलिटिकल एक्म में आपको टाइप करने भी पड़ेंगे बहुत बार आपको बहुत सारे टाइप जहाँ पर आपको लगता है कि आपका वोट शेयर नहीं है उतना यू विल वर्क टुवर्ड्स इट कि आप अपना वोट शेयर बनाएं लेकिन जब नहीं होगा तो आपको कोलेशंस करने पड़ेंगे एंड समन लाइक नीतीश कुमार इज अ फार मोर नेचुरल कोलेन देन एनी वन हेल्थ राइट क्योंकि फिर तो गाली सभी ने सबको दी है कांग्रेस आपको पता है एन सी पी और कांग्रेस का टाइप है और इस समय कांग्रेस के हेल्थ पे कौन है सोनिया गांधी नॉट श्रीनाटमंड टेक्निकल हेड शरद पवार अलग क्यों हुए थे सोनिया गांधी के नाम गाले पे अलग हुए थे राइट ही केम आउट ऑफ द नेम ऑफ सोनिया गांधी राइट और जितने भी ये जनता दल जनता पार्टी टाइप्स ऑफ पार्टीज हैं दे स्टार्टेड पॉलिटिक्स एंटी कांग्रेस पार्टी का नाम क्या है? मिसा. Hmm. मिसा भारती. मिसा क्या था? याद रहे कि मुझे मीसा में, में जेल में गया था मीसा इज द नेम ऑफ द लॉ जैसे कहते ना मुझे याद रखने के लिए hmm. आपने मेरा अपमान कराया तो मैं नाम ही रख दूंगा अपनी बेटी का जो याद रहेगा आज मीसा कांग्रेस से चुनाव लड़ रही इससे बड़ी अनोमली हो सकती है कुछ मीसा का टिकट भी डिक्लेर हो गया और कांग्रेस इन विद राइट right? mm. इसे right. कहते हैं कि बिल्कुल एपल्स एंड ऑरेंजेस राइट बोल के और कोई एग्जांपल जैसे सांपर राइट वो देर आफ्टर ईच अदर लाइफ जाइब्स जाइन स्टेज इज नॉट इच अदर वो तो ठीक है मैं आपके अपोजिशन मैं में आपके, तो आपके अगेंस्ट में कुछ बोल दू राइट बट बिकॉज दे रैन गवर्नमेंट फॉर ट्वेंटी नीतीश कुमार एंड बीजेपी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी शिवसेना देर फारोर नेचुरल जिसने अपना नाम ही रखा अपनी लड़की का एंड hmm. उसका जन्म ही एंटी कांग्रेस ममता बनर्जी ट्राई कर रही है कांग्रेस के माने का लार्जर कॉलेशन में तो आज भी है उनका तो जन्म भी कांग्रेस के बाहर आके हुआ है तो कांग्रेस में ही थी राइट कांग्रेस से बाहर आए शरद पवार कांग्रेस से बाहर आए पटनायक कांग्रेस से बाहर आए वायसआर कांग्रेस से बाहर आए कांग्रेस में तो मल्टीपल स्प्लिट्स हुए राइट एंड सम ऑफ दिस पीपल आर ट्राइंग टू एंगेज विद गवर्नमेंट दैट्स इनफैक्ट फार मोर विदार्मल राइट लेकिन आपको जैसे मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी कुछ कोलेन से ग्रोथ होगी yeah. कुछ कोलेन बहुत नेचुरल होगा कुछ कॉलेशन थोड़ा नेचुरल होगा दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स शॉकिंग तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में मिलना भी वो, वो भी तो बहुत ही शौकिन हाँ. और वो भी उसमें भी हाँ ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया उसमें भी इन सच अ इंटरेस्टिंग टर्म कि पंजाब में तो मैं आपसे कोलेन नहीं करूंगा लेकिन मैं दिल्ली में करूं राइट लेफ्ट पार्टीज कह रही है कि मैं आपका कुछ स्टेट्स में जहां मुझे लगेगा ठीक hmm. कर लूंगा लेकिन केरला में नहीं करूंगा दीज आर इन फैट फार मोर एंड जिसको डायजेस्ट करना मुश्किल है बचाना hmm. मुश्किल है नीतीश कुमार कमिंग टूगेदर कुछ इदर, क्योंकि जैसे आप बाहर निकले कुछ तो गाली देंगे इट्स लाइक अ ब्रेकअप ऑफ अ गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड कमिंग बैक अगेन राइट

उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है एंड वजह hmm. से बहुत राइट ओके right. okay. सब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी कहीं पर जाते हैं ताजमहल गिफ्ट नहीं करते अब वो दूसरी चीजें गिफ्ट भगवत गीता गिफ्ट करते बट एक यहाँ पे मैं आपको लाना चाहता हूँ बिकॉज 370 अगर वो पार कर जाते हैं दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सके जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्युलरिज्म है सेक्युलर कंट्री है इंडिया एंड जहाँ पे पॉलिटिक्स को बहुत अलग रहना है हमारे रिलीजन से एंड वहाँ पे अगर आप 370 सेवेंटी लेकर मतलब आप आ जाते हैं उतना आप सीट्स मिल जाती है आपको <coughs> तो येव दैट अपॉर्चुनिटी आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं इज इंड दट रॉन्ग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आप तभी कर सकते हैं ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज रोज हो रहे हैं अभी तक कितना मे बी योर टीम कैन फाइंड आउट हम सब डेढ़ सौ अमेंडमेंट कर, कर चुके हैं अमेंडमेंट्स जो होते हैं सी ए इज राइट ऐसे रोज अमेंडमेंट आते हैं कांग्रेस ने भी अमेंडमेंट करे बीजेपी ने भी करे और सरकारों ने भी करे राइट right? तो अमेंडमेंट्स तो हो ही रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल थ्री सेवेंटी के बाद चेंज हो पाएगा ऐसा नहीं है थ्री सेवनेंड कराई है ना थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी इट सेल्फ इज राइट बाय तो आई थिंक ये दिस इज इजी वर्ड प्ले कि उसके बाद ही हो पाएगा आज नहीं हो पाएगा राइट दैट्स वन

एज एज अ टोल्ड यू इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड राइट एंड वो है बिकॉज ऑफ द एकोमोडेटिव हिंदू क्योंकि उसके लिए हमारे तो वैसे भी इतने सारे भगवान हैं हमारे तो हिंदूज में भी कोई शिव की पूजा करेगा कोई कृष्ण की पूजा करेगा हमारे तो विष्णु के ही नौ अवतार हैं तो आप सबके अवतार की अलग अलग पूजा करते हैं वे वेरे अकोमोडेटिव कल्चर उसके चक्कर में ये कंट्री सेकुलर है राइट दैट्स दैट्स बिंग वन एंड आई एम श्योर यू एंड योर ऑडियंस नो ट द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वट फोर्सफुलिटेड इन दूशन डूरिंग एमरजेंसी आपको सेकुल घुसाना पड़ा आपको फेस पर लिखना पड़ा कि वी आर सोशलिस्ट से जय दैट नरेंद्र मोदी इज रनिंग इंडिया मेजोरिटी वेजोरिटी राइट लेटमी जो हमको ज्ञान बहुत देते हैं लेटमी टेक यू टू यू एस और यूके राइट जो बहुत ज्ञान देते हैं कि भाई hmm. अराउंड ह्यूमन राइट्स अराउंड सेकुलरिज्म आई was इन Oxford फॉर अराउंड थ्री मंथ्स लास्ट ईयर फॉर a fellowship, राइट right? mm. एक दिन मेरी एक कॉफी पे एक प्रोफेसर से कुछ सेकुलरिज्म पर डिबेट हुई राइट right? डिबेट मतलब नॉर्मल कॉन्वर्जेसन नहीं बस ट्राइंग टू पुट इंडिया डाउन कि इंडिया में सेकुलर नहीं है इंडिया mm. मैंने कहा भाई जिस क्लास में मेरी क्लास होती है उस रूम का नाम है सेंट क्रॉस रूम मेरी क्लास में क्रॉस लगा हुआ है उसी में मैं पिछले तीन महीने से पढ़ रहा हूँ राइट right? और उसी क्लास में मुझे सेकुलरिज्म सिखाया जाता है जिस क्लास का नाम सेंट क्रॉस रूम है जिस रूम का नाम और उसमें क्रॉस लगा हुआ है तो नो 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 यू आर कॉन्फाइनिंग रूम ठीक है रूम से बाहर चलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ऑफिशियल चर्च जिसमें लिखा है ऑफिशियल चर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ठीक है ऑक्सफोर्ड में तीस या बत्तीस कॉलेजेस हैं जैसे हमारे डी में हर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज होते हैं हर कॉलेज का अपना एक चैपल है जिसको प्राइवेट चर्च बोलते हैं हर कॉलेज का माइंड यू उसका अपना एक चैपलन है मतलब पुजारी है सबका एक क्वायर ग्रुप है मतलब भजन मंडली है उसकी जो क्रिश्चियन सॉन्ग्स होते हैं और सर की जो सर्विस होती है मतलब पूजा का टाइम सर्विस जिसको बोला था उसके टाइमिंग उसकी एकेडमिक वेबसाइट में लिखे हैं कॉलेज की तो अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर का नाम देखने या कुछ देखने जाएंगे तो आपको सर्विस का टाइमिंग मिलेगा आप यहाँ पर फिजिक्स की क्लास देखेंगे नीचे आपको सर्विस की क्लास भी, भी मिल जाएगी आपके क्वायर के कॉम्पिटिशन्स होंगे राइट मैं कंट्री लेवल पर जाता हूँ जो क्वीन या किंग है दे आर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द चर्च बोथ राइट यही तो सेकिल उनकी डेफिनेशन जो मार दी उन्होंने वहीं पर कि वन पर्सन शुड नॉट मैनेज द कंट्री द स्टेट एंड द चर्च बोथ वहाँ पे द क्वीन और द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द चर्च बोथ वहाँ की जो राज्यसभा है जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं उसमें बाईस पोजिशन रिजर्व है चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए मतलब आपने तो गलाई घोट दिया और आप मुझे सिखाते हैं कि मैं सेकुलर हूँ hmm. राइट वहाँ पे दस दिन की छुट्टी होती है क्रिसमस में ये कैसा सेकुलरिज्म है भाई वहाँ पे दस दिन की या पाँच दिन की छुट्टी होती है ईस्टर में ये तो मेजोरिटी हो गया फिर मेजोरिटी क्रिश्चियन है राइट यूएस में, तो में। जब वहां का प्रेजिडेंट वोत लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ नहीं रखता है वो बाइबल पर हाथ रखता है राइट हर प्रेसिडेंट आज से जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं दो 300 सालों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दे गो टू अ पर्टिकुलर चर्च इन वाशिंगटन डीसी एंड एक सेरेमनी होती है पूरी आधे घंटे की उसके बाद वो वोत लेता है और नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीतने के बाद बनारस चले जाते हैं और बोलते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और यहाँ पर थरकोण लगा लेते हैं तो लगता है अरे तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर आ गया देखिए एक तो उसकी पर्सनल फेथ है वो और आई थिंक एवरीबडी शुड एग्री इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड दैट अ कंट्री इज लार्जली रन बाय द इथोज ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी शॉक अगर yeah. दस दिन की क्रिसमस की छुट्टी होती है पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में तो इसलिए होती है मैं मैम से कह भी नहीं रहा हूँ कि दिवाली की अब दस दिन की छुट्टी करें बट माय आर्गुमेंट इज आप खुद तो करते हो ना तो मुझे क्या सिखा रहे हो भाई टेलिंग मी तो इंडिया मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा इसमें कोई बड़ा नॉर्मली नहीं है मैं कह रहा हूँ राइट दैट्स द वे इट इज दैट्स दैट बी आंसर राइट दैट्स वे वर्ल्ड ऑर्डर इज बट सर जब आपका प्राइम मिनिस्टर इतना प्राउडली कहता है कि आई एम अ हिंदू एंड वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बहुत प्राउडली वेयर भी करते हैं बट देन यहीं पे तो प्रॉब्लम आ जाता है ना कि जो माइनॉरिटीज है अगेन बाय माइनॉरिटी आई स्पेसिफिकली मेंशन द वर्ड मुस्लिम्स उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये क्योंकि एक फेथ है जिनके right. ऊपर हमने इतने सालों तक रूल किया है, इस रिलीजन right. के ऊपर टेक्निकली मुगल्स ने जो किया था right. तो अब जब एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर आया है ही माइट टेक दैट रिवेंज या उनकी पार्टी हमसे रिवेंज लेगी एंड right. होता भी यही है ना कि टॉप right. पे बीजेपी तो भले ही बोले कि हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे right. हम मुस्लिम्स का अगेंस्ट कुछ कर नहीं रहे बट देन लोअर डाउन द ऑर्डर जहाँ पे जो गुंस है वो इन्हीं सब चीज़ों को फ़ायदा उठाते हैं hmm. नहीं देखिए इफ वी आर इफ वी आर सेंगे वेरी जेनरिक स्टेटमेंट आई थिंक दैल बी अ डिसविस टू दीपल हुआ आर लिसनिंग इफ यू हैव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कैन भी की इन 10 सालों में मुसलमानों के साथ ये पाँच बड़ी प्रॉब्लम हो गई है hmm. uh, पूरे इंडिया में जिसका मेरे पास बड़ा डेटा प्रूफ है राइट वन इंस्टेंट हेयर एंड देयर दैट काउंट वो तो मैं फिर आप एक बताएंगे मैं दस उल्टे sure. बता दूंगा राइट लार्जली तो उनके साथ अच्छा, ही hmm. किस, किस के साथ अच्छा नहीं हुआ right? uh, अगर भारतीय मुसलमान को ये लग रहा है कि 800 साल उसने रूल करा है प्रॉब्लम विद भारतीय मुसलमान राइट दैट्स माई प्रॉब्लम औरंगजेब रोड ऑल्सो राइट सी लॉट ऑफ पीपल से कि यार औरंगजेब ने जो जो किया उसकी उसका सजाब आज के मुसलमानों को mm -hmm. बिल्कुल अच्छी को भाई आज के मुसलमान ने तो मंदिर नहीं तोड़े ना है ना या mm -hmm. yeah, कुछ और गड़बड़ करी होगी आज के किसी मुसलमान लेकिन उसने तो मंदिर नहीं तोड़े उसने तो अयोध्या का मंदिर नहीं तोड़ा उसने तो काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं तोड़ा उसने तो मथुरा का मंदिर नहीं तोड़ा वो तो औरंगजेब ने तोड़ा है बाबर ने तोड़ा बट इफ यू टेक प्राइड इन औरंगजेब देन आई प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद 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 यू यू एंड दैट्स ब्रिटिशन अभी मैं किसी से मिला था हु इज़ ब्रिटिश ओरिजिन

एंड उनको सेलिब्रेट करने मेंई विल हैव अ प्रॉब्लम सो एनी मुस्लिम विच इज फीलिंग कि मैंने तो आठ सौ सालों तक तो राज किया hmm. यहाँ पे देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद डैट मुस्लिम राइट बल्कि आपको भी उसको टेरिस मानना पड़ेगा कि सममन केम फ्रॉम आउटसाइड डिस्पॉयल दिस कंट्री इनफैक्ट कन्वर्टेड दोज वेरी मुस्लिम्स बाय जजी अटैक्स वो अपना ट्रेस करेंगे तो किसी का दो पीढ़ी में किसी का sure. पाँच पीढ़ी में हिंदू डिसेंडेंट मिल जाएगा इंडिया में तो जीन पुल भी टेस्ट हो चुका है कि कोई आ, अरब के जीन्स नहीं है यहाँ पर कोई hmm. मंगोल जीन्स नहीं होंगे मतलब मिनिस्क्यूल परसेंटेज राइट वो अपने आपको हाई क्लास मानते हैं अभी वो hmm. भी मुस्लिम कम्युनिटी में डिफ्रेंसेशन है राइट right? कि हम तो बाहर का ब्रीड है जो टिपिकल इंडियन मुस्लिम है लार्ज वराइटी नाइन्टी नाइन वो कन्वर्ट हुआ है किसी ना किसी मजबूरी में hmm. जजिया टैक्स लगता था आपको हिंदू होने का टैक्स देना पड़ता था मुग़ल टाइम में सल्तनत टाइम में आपकी आ, 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 बहन बेटियों को उठा लिया जाता था वहीं से हमारे यहाँ पर्दा पड़ता ये हमारे यहाँ आप पुराने समय के देवी देवताओं के देवियों के पिक्चर देख लीजिए रानी महारानी के पिक्चर देख लीजिए वी आर नॉट ए घूंगट सोसाइटी घूंगट सोसाइटी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन पोचिंग बाय द मुस्लिम किंग्स राइट तो उनको अगर ये फीलिंग है इफ दे स्टिल टेक प्राइड इन देर उनको लगता है वो मुगल के डिसेंडेंट है पहले तो वो उस रेस के हैं ही नहीं देवर कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द फोर्स

तो दिल मान सर आई अग्री विद यू हियर क्योंकि ये तो मतलब हमारे एजुकेशन का ही प्रॉब्लम रहा है एंड दिस हैज बीन समथिंग जो कि हमारे जो मुस्लिम uh, भाई बहन है उन्हें हमें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था कि इफ यू टेक प्राइड इन दैट देन यू आर ओवर दै ये बहुत क्लियरली हमें कर देना चाहिए था एंड वी लॉस्ट हुआ दै ये जो स्टेटमेंट है कि आठ साल हमने रूल किया hmm. है दिस दिस हमने बिकम्स वेरी एंड इज अ प्रॉब्लम विद यू के टेक्निकली क्योंकि उनकी सड़कों पे उनके सबके स्टैचू लगे हैं जितने भी कॉलोनाइजर आपके लॉर्ड हुआ करते थे हमारे जो यहाँ पे करतेमरी करते थे जो यहाँ पे मारपीट करते थे जो यहाँ पे काला पानी करते थे वो सब वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहे हैं आज भी मेरे हिसाब से तो स्टैचू लगाना सेलिब्रेशन ही है स्टैचू में हिटलर का स्टैचू क्यों नहीं लगाया पूरे यूरोप में कहीं यानी उसको सेलिब्रेट नहीं करते आप आप लेकिन हमारे यहाँ जो हिटलर बन के गए उनको आप सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ तो मुझे तो बुरा लगेगा ना एक सिख आदमी को औरंगजेब रोड कितनी पिंच करेगी डेली hmm. मतलब ये यह है कि जय मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ और बिल्कुल मैं चार लड़के लेके आता हूँ पूरा आपका स्टूडियो तोड़ के चला जाता हूँ आप कलाम राम रहते हैं स्टूडियो का नाम शांतनु स्टूडियो यूल नॉट hmm. डू दैट राइट right? yeah. आप तो मेरा पुलिस में कंप्लेन करेंगे ना तो मैं क्यों औरंगजेब रोड को पाल रहा हूँ आज भी hmm. मैं क्यों बख्तियार स्टेशन को पाल रहा हूँ आज भी मैं क्यों अलाहाबाद और फैजाबाद को पाल रहा हूँ आज भी राइट बिकॉज वो आपको मार के दबा के लिखे गए थे नाम आप एपीजे ए पी कलाम को सेलिब्रेट करिए ना आई डोंव प्रॉब्लम अच्छी बात है आप जो जो लॉर्ड ऑफ मुस्लिम पीपल आर्मी कॉन्ट्रीब्यूटर उनके नाम पर रखिए ना आप उस हिस्ट्री को क्यों कर रहे हैं जिसने भारत को बर्बाद किया राइट आई थिंक दैल बी माय 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 आंसर टू ऑल द मुस्लिम फ्रेंड्स इन इंडिया ओके सो आपकी न्यू बुक uh, 101 रीजंस विल आई व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस देखिए पहले तो उस बुक के साथ एक इनोवेशन है वो बताऊंगा hmm. मैं सो so, 101 रीजंस वन रीजन वाई वोट फॉर मोदी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल कॉमिक ऑफ इंडिया राइट right? और ये मैंने दिमाग में रखा है दो करोड़ यंग वोटर को इस समय हमारे पास नाइन्टी से जो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए रजिस्टर्ड है उसमें से करीब 1.85 पॉइंट एट फाइव फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनकी उम्र केवल 18 19 साल है जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये लोग केवल आठ या नौ साल के थे आठ या नौ साल मतलब तीसरी चौथी क्लास में इनको कुछ नहीं पता था कौन नरेंद्र मोदी है क्या गवर्नमेंट होती है नाउ दे आर ऑल देर सडन वोटर्स तो उनकी लाइफ पिछले दस साल कैसे बिरती है उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ा है उन्होंने पढ़ा right. है उन्होंने आर्ची पढ़ा है तो आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स थ्रू देयर मीडियम राइट इसलिए मैंने उसको कॉमिक में कन्वर्ट करा है। इसमें hmm. चार पांच मजेदार चीजें एक तो पूरा इलस्ट्रेशन फॉर्म में है इसमें दो जर्नलिस्ट बात करें वन हुज ए मोदी क्रिटिक एंड वन हुज अज प्रो मोदी तो मोदी क्रिटिक मुझे भाई एक कारण बताओ मैं तुम्हारे मोदी को तुम बहुत मोदी मोदी गाना गाते हो राइट right? तो तुम्हारे मोदी को वोट क्यों करूं द प्रो मोदी जनरलिस्ट सिंह चलिए हम ए सी कमरों से बाहर निकले मैं आपको hmm. जनता के पास ले चलता हूं गली कुचे में ले सकता हूं गांव गांव देहात में ले चलता हूं और लोगों से ही पूछते हैं कि मोदी को वोट क्यों करें एंड इन द प्रोसेस द बोथ डिस्कवर्ड मल्टीपल रीजन एंड द एंड ऑफ काउंटिंग ऑलमोस्ट वन नॉट वन रीजन वाइज समन शुड वोट फॉर मोदी सो इज ह्यूमन स्टोरी टू इट दर इज डेटा टू इट कि बदलाव क्या आया मैं बोलूँ चार करोड़ घर बने हैं वो थोड़ा तो इनह्यूमन सेंटेंस है hmm. घर बनने से होता क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो बचपन से पक्के घर में रहते हैं टॉयलेट बनने से होता क्या है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो बचपन से टॉयलेट है जिनके घर में गैस आने में घर घर से होता क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता जिनके घर में बचपन से गैस है राइट सो कम्युनिकेट दैट ह्यूमन स्टोरी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इन दिस वन नॉट वन केसेज आई कॉल दैम आई एक्सपेरिमेंटेड विद टेन आर्ट स्टाइल्स तो हर टेन केसेज पर आर्ट स्टाइल चेंज होता है ओके कभी मांगा होता है कहीं वाटर कलर होता है कहीं सेपिया होता है कहीं रियलिस्टिक होता है So I think that that is my way to communicate uh, to the young voters hmm. that why they should uh, vote for Modi, and with data and human story. So right. I think that's my. So what are there. some of the reasons? See, some of the reason they're not some reason. They're one not one yeah. reasons, right? Yeah, I do not want to give a. Yeah, yeah I know, right? I know. I divided them into pro-poor policies hmm. to education, to health, to army, to foreign policy. टू कल्चरल रिनासॉन इन इंडिया राइट टू एजुकेशन एंड ऑल्सो द मोदी फैक्टर माई लास्ट टेन केसेज वट मोदी पर्सनली ब्रिंग्स टू द टेबल राइट ही बींग एट दैड ऑफ द फेयर राइट सी एंड इन हिंदी इफ यू सी द नेम द नेम इज ड्रिकी आई से एक सौ एक कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी द लॉर्ड ऑफ पीपल से मेल ऑथर वाइल से करूंगी वाई आई एम राइटिंग दिस बुक फ्रॉम अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि दैट वोटर इज बिकम अ वेरी वोकल वोटर फॉर मोदी आप सुबह से देखिए सुबह औरत उठती है मैंने मैंने बुंदेलखंड में एक बात भी करी एक महिला से है मैंने उनको कोड भी करा है विद अ चेंज नेम लेट्स रमावती रमावती सुबह सुबह उनको सपना आता है कहती अरे मेरे बच्चे भीग रहे हैं है ना क्योंकि फूज का घर है टपक रहा है घर और बच्चे भीग रहे हैं सुबह राजू फिर बुखार से उठेगा और जैसी उठती ओ नहीं अब मेरे पास पक्का घर है वो बाहर जाती है और तख्ती में उसका नाम लिखा होता है क्योंकि पी आवास के जितने घर हैं वो महिलाओं के नाम पर है प्राइड प्राइड ऑफ द वुमन इन द हाउस इंक्रीज अगर आपके घर पर है तो सबको आपकी माननी पड़ेगी क्योंकि आप एक तरह से उसके घर में रहने जो उसके नाम पर है घर राइट right? और वो देखती है यार मेरे मेरे पास घर है और ये कोई एक दो महिला दस पांच लाख महिलाओं के साथ नहीं चार करोड़ लोगों को घर मिला है जिनके पास कभी जिंदगी जीवन में घर नहीं था दैट्स अमेजिंग थिंग राइट ठीक है वो उठती है अब उसको पहले टॉयलेट जाना होता था सुबह सुबह उसको सुबह सुबह सूरज उगने से पहले जाना होता था बिकॉज ही शी शीस्ट गो इन ओपन इन डेफिकेट और पूरे दिन वो पानी कम पीती थी खाना कम खाती थी जिसको उसको फिर टॉयलेट न जाना पड़े क्योंकि वो रात का वेट करती थी जब फिर सूरज ढल जाए इससे ज्यादा इनह्यूमनली हो सकता है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में और टॉयलेट कोई नई चीज तो है ना टॉयलेट कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी छ महीने पहले आई है टॉयलेट तो डिस्कवर हो चुके हैं सालों पहले हमारे यहाँ तो पुरानी पुरी सभ्यताओं के खुदाई में टॉयलेट के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं दिल्ली में तो टॉयलेट का म्यूजियम है कि पुराने टॉयलेट्स कैसे हुआ करते थे उसको आज भी ट्वेंटी सेंचुरी में टॉयलेट नहीं था नेहरू जी आके चले गए इंदिरा जी इंदिरा जी आके चले गए राजीव जी आके चले गए सोनिया जी ने मनमोहन जी को बढ़ाया टॉयलेट नहीं मिले इंडिया में मेंस टू गिव एन टू गिव टेन करोड़ टॉयलेट्स जो महिला की इज्जत से जुड़ा है उसको इज्जत घर बोलते हैं वो बाहर आती है हाथ धोती है नहाती है पहले हाथ धोना और नहाना मतलब पानी लेके आना मैं आपके सारे व्यूअर्स को कहता हूं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए दस लीटर की पंद्रह लीटर की बाल्टी उठाइए पानी भरिए भरी है। उस पहले तो उसको उठा के सिर पर रखने में आपकी नानी याद आ जाएगी उसको सिर पर लेके अपने घर पर चलिए बस बीस मीटर आपकी कमर में दर्द हो जाएगा आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हाथ भी आपका स्प्रेन हो जाएगा और सिर में दर्द होने लगेगा ऐसा वो औरत पिछले अब उसकी तीस पैंतीस साल की उम्र जब से छोटी थी तब से आज तक करीब वो रोज बीस बीस पच्चीस पच्चीस लीटर पानी अपने सिर पर उठाती है hmm. तो जब हर घर नल स्कीम से पानी आता है उसके लिए मैजिक है वो नल से पानी आना बिकॉज वो पानी आना मतलब वो चक्कर फिर वो नहा के पहुंचती है स्टोव में किचन में पहुंचती है वहां पर ठक से लाइटर जलाती है और गैस जल जाती है वो भी बाजी गई उसके लिए एंड दीज आर नॉट न्यू टेक्नोलॉजीज नल को नई टेक्नोलॉजी नहीं है गैस को नई टेक्नोलॉजी नहीं है किसी और ने क्यों नहीं सोचा दस करोड़ घरों में टॉयलेट टॉयलेट है दस करोड़ घरों में घस है और दस करोड़वा जो गैस सिलेंडर है वो कहां पे दिया अयोध्या में दिया नरेंद्र मोदी ने दैट सच ए सरियल फीलिंग कि मेरे ख्याल से राम जी भी इंतजार कर रहे थे रामराज जाने का राम मंदिर में ए, स्थापित होने से पहले सो so, ये जो वुमन वोटर है इसके साथ जो हुआ है फिर वो वो जो राशन पकाती है वो भी नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है ऊपर से जो उप, राशन के ऊपर से आपको पैसे चीजें चाहिए होती हैं आपको सब्जी तरकारी चाहिए होती है आपको तेल चाहिए होता है आपको चीनी चाहिए होती है जो राशन में नहीं मिलता है बहुत बार उसके लिए आपके पास डीबीटी है सौ तरह का hmm. कभी आपको पीएम किसान का पैसा आ रहा है कभी आपको पेंशन का पैसा आ रहा है कभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पे कॉपी किताब बस्ते का पैसा आ रहा है तो आपके पास कैश भी अवेलेबल है अब hmm. तो आप बाहर सड़क पर निकलते हैं तो जहां पर डबल इंजन की सरकार है लेट से यूपी वहां पर सड़कें भी अच्छी हैं और गुंडे माँ भी नहीं है सो उसकी जो लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना देखिए या तो वोट काम पे होता है या या जात पे होता है ये दो मेजर एंटिटी हैं या राम पे होता है मतलब धर्म पे होता है तो आपको काम पे वोट लेना है तो आपको ड्रास्टिक करना पड़ेगा छोटे मोटे काम से वोट नहीं होता दिस नॉट छोटा मोटा काम अगर आप एक औरत के चार पाँच घंटे बचा लेते हो जीवन में राइट उसकी लाइफ कैन यू इमेजिन दो घंटे पानी लेके आना दो घंटे लकड़ी लेके आना सुबह सुबह शौच में जाना कैन यू इमेजिन पंद्रह पाँच दिन करके देखिए ऐसी लाइफ जी के देखिए कि आपके पास कच्चा घर है कैंपिंग नहीं हो रही है ये है ना डोंट गेट इन द चाम ऑफ कैंपिंग राइट क्या आपके पास कच्चा भूस का घर है जिसमें पानी टपकता है आपको टॉयलेट रोज जाना है आपको रोज लकड़ी लेके लेके आना है बहुत सारी वो भी फिर आपको पानी लेके आना है उसकी लाइफ ड्रेस्टिकली चेंज हो गई इसलिए वो मोदी के लिए वोट कर रही है राइट उसके बिजली आती है भाई अब वो टीवी देख सकती है वो वो न्यूज़ सुन सकती है वो आपका पॉडकास्ट देख सकती है वो सास बहू के सीरियल देख सकती है वो चंद्रयान की लॉन्च देख सकती है वो रामायण महाभारत देख सकती है आराम से मतलब जब बच्चे गए वो भी चिल कर सकती है हम लोग भी तो अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स देख देख के अपना टाइम पास करते हैं एंटरटेनमेंट तो सबकी लाइफ में जरूरी है उसकी लाइफ में नहीं था एंटरटेनमेंट वो यही करती रह जाती थी तो अब जब वो वोट करने जाती है तो उसके दिमाग में मोदी क्यों नहीं होगा मतलब लोग कहते हैं ना ईवीएम रिक कर लिया मोदी ने ईवीएम नहीं रिक कर लिया उन लोगों का दिमाग रिक कर लिया राइट right? बिकॉज उनकी जिसको हम कह कह सकता हूँ ईज ऑफ लिविंग हैज बिकम ड्रास्टिकली और एज अर तबके लिए तबके के लिए राइट राइट नेशनल प्राइड बढ़ा दिया भाई जब जी ट्वेंटी होता है तो पीपल देखो जी ट्वेंटी से शायद मुझे पर्सनली कोई फायदा ना हो राइट बट आई टेक प्राइड इन द फैक्ट राइट जब नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं और उनकी इज्जत होती है आई टेक प्राइड की मेरे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो रही है राइट सो मल्टीपल फैक्टर्स टू वोट बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एक तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है एज अ वोटर माई लाइफ इवन मैं पुअर था चाहे मैं मिडिल क्लास था चाहे मैं बड़ा इंडस्ट्रीज था बड़ा इंडस्ट्री था इज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अच्छी हो गई मुझे hmm. भारत में बिजनेस करना आसान हो गया भारत में वन फिफ्टी यूनिकॉन इस समय इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स आफ्टर अमेरिका एंड चाइना

What I am doing, I am backing, first of all, my communication style. Communication style in my book is, is artwork, mm. is multiple art styles, so it's very readable, right? Second, I am providing a human story. What was before 2014, what, mm. what was after 2014, and I'm also giving a data. So someone is a counter data, they can always I do that in TV channels every day. Someone can do a counter data. And it's not that only you have to throw data, mm. people should be convinced. डेटा इज बिलीवेबल राइट एंड दैट फिनना इज बिलीवेबल राइट एक प्रॉमिस मैं आपको इस एग्जाम्पल देता हूँ एक प्रॉमिस नरेंद्र मोदी करते हैं एक प्रॉमिस राहुल गांधी करते हैं द सेम प्रॉमिस सेम मैं एक नई स्कीमें लॉन्च करता हूँ आज hmm. है ना एज इलेक्शन प्रोमिस की तरह पीपल विल वे कि भाई कौन इस स्कीम को पूरा कर पाएगा कौन इस स्कीम को पूरा नहीं कर पाएगा hmm. क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए गरीबी एक लिव्ड एक्सपीरियंस है जबकि राहुल गांधी के लिए गरीबी एक ट्यूशन का टॉपिक है नरेंद्र मोदी दस बाई दस के कमरे में चाय बेचते हुए पैदा हुए हैं राहुल गांधी एसपीजी के प्रोडक्शन में महलों में पैदा हुए हैं उनके लिए एक ट्यूशन का टॉपिक है उनको ट्यूटर बुलाने पड़ते हैं तभी वो एमएसपी और एमआरपी में कंफ्यूज हो, हो, हो जाते हैं राइट तो दैट्स व्हाई प्रॉमिस किससे आता है दैट्स नरेंद्र मोदी फैक्टर इन दिस गवर्नमेंट कि भाई पंद्रह साल उसने उस आदमी ने आर से संगठन सीखा समाज सीखा फिर वो बीजेपी में आता है तो फिर वो देखता है कि इलेक्शन कैसे मैनेज होते हैं कैसे लोगों को कैसे समझना है। hmm. फिर वो सीएम बन जाता है तेरह साल वो एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है। फिर वो पीएम बन जाता है दस साल वो नेशनल गवर्नेंस और नेशनल गवर्नेंस सीखता सो नरेंद्र मोदी इज 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 अ अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस फिफ्टी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क वर्सिज राहुल गांधी इज अ फंक्शन ऑफ बींग गांधी अखिलेश यादव इज अ फंक्शन ऑफ बिंग यादव तेजस्वी यादव इज अ फंक्शन ऑफ यादव अगेन राइट और स्टालिन राइट So, अगर मेरे सेकंड नाम के चक्कर में पहुंचाऊं या अपनी मेहनत के चक्कर में पहुंचाऊं, दैट पीपल आल्सो वे कि मैं मैं इसकी बात पे बिलीव करूं या नहीं करूं, राइट आई थिंक बी इज माय माय बुक इज अ प्रोपोगेंडा और इट्स 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 अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट राइट बट सर आपने बहुत सारे रीजन बताए कि yeah. क्यों किसी को वोट करना चाहिए इस गवर्नमेंट के लिए right. uh, ये गवर्नमेंट मतलब एक जगह पे तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि डिफेंस के सेक्टर में हमने बहुत अच्छा किया है right. जियो में <coughs> हमने बहुत अच्छा yeah. किया है बोथ ऑफ देम माय चैप्टर्स या एंड बट एट द सेम टाइम आप न्यूज uh, में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि हम अस्सी करोड़ लोगों को देश में खाना खिला रहे हैं इज इन दैट इन अ वे की हम मतलब अपीज कर रहे हैं इन लोगों को कि हम उन्हें फ्री में खाना दें एंड right. उनसे वोट्स निकलवा लें उतने राइट right. देखिए खाना देना या राशन की स्कीम या मिड डे मील की स्कीम नरेंद्र मोदी की स्कीम नहीं है हुँ. राइट बहुत पहले चल चल रही रही है तो है है रहा से मिड डे मील की स्कीम फूड सिक्योरिटी है, है जिसके थ्रू राशन मिलता है वो नई स्कीम्स है राइट ओनली थिंग दीज स्कीम्स नॉट एफिशंट और इसको राजीव गांधी ने मान भी लिया था कि मैं एक रुपए सेंटर से बेचता हूँ तो केवल पंद्रह पैसे ही पहुंचता है तो राशन की स्कीम पहले भी चलती थी सौ किलो राशन अगर दिल्ली से चलता था तो पहुँचते पहुँचते वो पंद्रह किलो ही बच जाता था बीच में बहुत सारे लोग चुरा लेते थे अभी हर जगह थम बेस राशन मिलने लगा है राइट अब थम लगाते हैं तो अगर रम, रमावती ने बुंदेलखंड में राशन लिया है तो लखनऊ में बैठे बैठे मुख्यमंत्री को पता लग जाएगा hmm. दिल्ली में बैठे बैठे प्रधानमंत्री को पता लग जाएगा ही स्टलिंग की क्योंकि सिस्टम इतना एफिशिएंट है तो सब लोगों को मिल रहा है राइट इन द प्रोसेस राइट एंड वी ऑल नो दैट ट्वेंटी फाइव करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पॉवर्टी है भारत में रिमूव रिमूव uh, hmm. हो गई बट वी हैव टू वे द लास्ट ऑफ नरेंद्र मोदी हैज मल्टीपल ग्लोबल ग्लोबल प्रॉब्लम्स राइट उसमें कोरोना भी आया hmm. जिसमें सारा धंधा चौपट हो गया जितना रिटेल का धंधा है जो मजदूर है वो तो और चौपट हो गया hmm. राइट उनके पास कोई ट्रेड तो था नहीं जो ऑनलाइन बैठ के कर ले कि पॉडकास्ट बनाया और और उनका कोई 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 बिजनेस हो गया राइट उसके ऊपर से फिर एक इन्फ्लेशन की वेव आई बिकॉज ऑफ द वॉर hmm. राइट उसके बाद आपको अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा राइट बट आई थिंक द पॉइंट ऑफ 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 पीपल आर गेटिंग इज मोर द ऐसा नहीं कि केवल उनको मिल रहा है उसको एडवर्टाइज करना पड़ रहा है राइट right? स्कीमें mm. पहले भी थी पहुंचती नहीं थी पहले अब वो स्कीम पहुंच रही है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंक बट वाई सो मच एडवर्टाइजमेंट एंड इनफैक्ट जो पॉलिसीज भी बनाई जा रही है इजेंट दैट प्रमोटिंग की आप मुफ्तखोरी का एक एनवायरमेंट नहीं प्रमोट कर रहे हो उससे देखिए uh, दो तरह की पॉलिसी है एक है सेफ्टी नेट की पॉलिसी mm.

चाहे वो करोना हो चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो उसके चक्कर में यूनिडी सेफ्टी सपोर्ट राइट बट फॉर पुलिंग आउट पीपल ऑफ पॉवर्टी द स्कीम्स आर पैरेलली रन चाहे वो मुद्रा स्कीम हो जिसमें करोड़ों लोगों को अंतरप्रेनर बनाया जा रहा है चाहे वो पीएम स्वानिधि स्कीम हो जिसमें ठेले वाले से लेकर जो भी अपना धंधा शुरू करना चाहता है उसको लोन मिल रहा हो चाहे वो जनधन के अकाउंट हो जिससे उनकी बैंक की क्रेडिट रेटिंग बनी है चाहे वो लखपति महिला हो लखपति दीदी हो जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको पुल आउट आ, करने की कोशिश की जा रही है राइट तो हर माध्यम से उसको पुल आउट करने की कोशिश भी करी जा रही है इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट इट्स नॉट कि मैं यही रेखा आगे बढ़ाऊंगा आई हैव टू डू मल्टीपल एफर्ट्स टू पुल देम आउट ऑफ द आउट ऑफ पॉवर्टी राइट और जहां तक आपकी बात है एडवर्टाइज करना सी वो तो आपको कई बार आपको कॉन्शियस conscious, कॉन्शियसनेस में लाना ही पड़ेगा कई बार क्या होता है कोई चीज हो रही होती है दैट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल कि मान लाइट आ रही है आपकी दस साल पहले लाइट नहीं आती थी hmm. दस साल पहले इंडिया में साढ़े बारह घंटे एवरेज लाइट आती थी आज इंडिया में साढ़े बाईस घंटे एवरेज लाइट आती है इज ह्यूज चेंज इज चेंज लेकिन क्या होता है ना जब वो तीन चार साल आने लगती है ना लास्ट के तीन चार साल सब अच्छा हो दट नॉर्मल आपको सड़क में जाके आपको लगता है कि भाई मेरी पॉकेट नहीं मारी जा रही है न्यू नॉर्मल आपको कहा बिहेवियर uh, आपको लगता है कि सारी सड़कें अच्छी सारी सड़कें अच्छी नहीं हुआ करती थी भारत में mm. जब से गडकरी जी नहीं थे उसके पहले केवल दस किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी आज चालीस किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है पहले टोल में आपको एक एक घंटा वेट करना पड़ता था पहले टोल में एवरेज वेट होता था, था पंद्रह से बीस मिनट और आपको एक डेढ़ घंटा आज टोल में एवरेज वेट थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स है यह हर समय नहीं था यह अभी तीन साल चार साल पहले फास्टैग के थ्रू आया राइट सो यू हैव टू रिमाइंड पीपल यू टू रिमाइंड पीपल राइट ये दैट्स 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 इज द कैंपेनिंग ऑल अबाउट कि मैंने क्या किया इधर oh, हाँ यार ये तो भी तीन चार साल पुराना right. ही है एंड पीपल हैव टू पीपल शुड बी मेड देम टू रियलाइज की आपके वोट की वजह से हुआ है hmm.

किसी और कैंपेन से किसी और गाने से mm. किसी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कुछ ये कह के कुछ ये ये कह के या तत्कालिक कोई प्रॉब्लम बता के उस mm. स्वयं नौज उनको याद दिलाना पड़ेगा दैट हाउ देअ लाइफ्स हैव ड्रास्टिकली चेंज बिकॉज ऑफ देर वोटिंग बिहेवियर फाइव ईयर्स बैक और टेन ईयर्स बैक दैस वाई इट इज मोट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर आई ब्रिंग यू टू अनदर सब्जेक्ट एंड ये एक ऐसी चीज है जो आप आज कोई भी लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट को अगर आप पूछोगे दे ब्रिंग आउट दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक विच इज सी डी सी और ई का जो स्टेट कैप्चर हुआ है डू यू थिंक दैट इज़ ट्रू क्योंकि uh, जब हम देखते हैं फर्स्ट मनीष सिसोदिया फिर अरविंद केजरीवाल द अरेस्ट उसके बाद में राहुल गांधी ने अभी क्लेम किया कि उनका सात साल पुरानी केस में बैंक अकाउंट्स उनके सब फ्रीज कर दिए गए हेमंत सोरेन एक लैंड uh, स्कैम के केस में अरेस्ट हो गए अजीत पवार हसन मुशरफ ये सब जो है इन्हें तो मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लिया right. या अलायंस फॉर्म कर ली तो दे गॉट क्लियर बट right. ये जो अपोजिशन में थे अभी भी वो क्लियर नहीं कर पाए एंड दैट इज वाई दे आर इन जेल तो वट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट देखिए माई ओपिनियन विल बी एंड आई जस्ट क्लियर क्लैरिफाई योर कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ स्कैम नहीं किया उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया योर क्वेश्चन इज एट टू और थ्री लेवल्स वन इज शुड देयर बी एक्शन अगेंस्ट अ पोलिटिकली करप्ट पॉलिटिशियन और नॉट

दिखता भी है कि अगर हमारी सड़क नहीं बन रही है हमारी चीज नहीं यानी करप्शन हुआ होगा तभी बजट तो हो ही नहीं टैक्स तो लिया ही जा रहा है जो दो तीन बड़े केसेस मुझे याद में आते हैं जो फाइनली कन्विक्ट हुए वो लालू प्रसाद यादव एक बड़ा नाम है हाँ। जो लंबे समय जेल में रहे चारा घोटाले में राइट और उन्होंने अपना काफी सारा सेंटेंस पूरा भी करा कलमाड़ी थोड़े समय के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रहे टू जी स्कैम के लिए थोड़े समय राजा गए लेकिन क्योंकि बहुत सारे देखिए पॉलिटिकल पीपल आर वेरी श्रूड स्मार्ट पीपल वो स्कैम भी ऐसे करते हैं कि पकड़े भी ना जाए एंड कोर्ट वर्क ओनली ऑन एविडेंस परसेप्शन तो right. पे काम नहीं करेगा अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और आपने एविडेंस एंड हाउ यू वेल इन इन द द कोर्ट राइट उस समय कौन अटॉर्नी था कौन जज था ऑल ऑफ दैट राइट तो पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है अरेस्ट कोई नहीं हो रहा राइट एंड बीजेपी केम ऑन द प्लान दैट इट्स अ फार मोर नॉन करप्ट क्लीनर पार्टी जो hmm. हमने देखा भी है पिछले दस साल में कोई नोटेबल स्कैम हमें नहीं देखा राफेल के बारे में बहुत चर्चा हुई कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी पैगैसेज hmm. के बारे में चर्चा हुई कोर्ट ने मना कर दिया सही इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स राइट इलेक्ट्रोल वील का मे दिसर टॉपिक राइट तो कोर्ट ने मना कर दिया तो पता लगा कि हाँ बीजेपी इज इज अ क्लीनर पार्टी राइट बट एनी इंडिविजुअल एंड एवरी पार्टी ऑफ द सेट ऑफ लॉयर्स कांग्रेस तो पार्टी लॉयर्स की है एक से एक बड़े बड़े लॉयर हैं वेरी एक्सपेंसिव लॉयर्स दे कैन ऑलवेज गो इन द कोर्ट एन सी की ये गलत हो रहा है राइट जैसे जो नेशनल हेरल्ड का केस है वो तो प्राइवेटली किसी ने किया है कोई भी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जाके केस कर सकता है अगर आपको लगता है कि एक्स करप्ट है या वाई करप्ट है या जेड करप्ट है उसके अगेंस्ट में केस उठाइए आपको याद है केजरीवाल का होल कैंपेन श्यारू रिमेबर ये तीन सौ पन्नो की रिपोर्ट है मैं, मैं 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 किसको जेल में डालूंगा शीला दिस को जेल में डालूंगा शीला के साथ गवर्नमेंट बनाई मैं गडकरी को जेल में डालूंगा गेटकरी में कोर्ट में फॉर्मली माफी मांगी मैं अरुण जेटली को जेल में डालूंगा अरुण जेटली से फॉर्मली कोर्ट में माफी मांगी राइट सो ये कहना आसान है कि ये करप्ट है वो करप्ट है देखिए मेरा मेरा करप्शन का प्रूफ तो एनी एवर एनी एलिगेशन मैं रोज टी वी चैनल पर रहता हूं मैंने पाँच से छह हजार डिबेट करी है मैं हर समय कहता हूं लिटमस टेस्ट है टू ब्लेम एनी कि अगले दिन आप कोर्ट में जा रहे हैं क्या उसको लेकर अगर आप टी वी केवल चैटर बॉक्स हैं तो मतलब आपको भी पता है कि वो कुछ प्रूफ ही नहीं है राइट अगर आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं शायद बीजेपी में भी बहुत सारे केसों में कहा है कि ये करप्ट है लेकिन उसके लिए वो सबके लिए कोर्ट में नहीं ले जा पाए उसके पास भी एनएफ एविडेंस नहीं है देखिए कई बार आप करप्ट करप्ट कहते हैं परसेप्शन क्रिएट करने के देखो वो करप्ट है देखो वो करप्ट है लेकिन अगर आप जेल में आप उसको मान लिया ईडी बेकार है ईडी बेकार होती तो आठ से नौ महीने में मनीष सुजेजा को बेल मिल जाती आप कह रहे हैं कि मोदी ने कोर्ट भी खरीद लिया सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया हाई कोर्ट भी खरीद लिया देन इट्स अ डिफरेंट मैटर विच आई डोंट बिलीव विच इवन द अपोजिशन इज सेइंग क्योंकि और इसमें क्या मजेदार बात है कांग्रेस अभी दो महीने पहले एक महीना पहले कह रही थी कि भाई देखो ये तो शराब घोटाले में जेल में जाएंगे अजवीर केजरीवाल के लिए अभी उनको लग रहा है कि साथ में चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो उनके लिए वो कन्वीनियंट का पॉइंट नहीं है तो ईडी कभी ठीक हो जाती है कि इवन डेज में ईडी अच्छा काम करती है <laughs> और डेज में ईडी अच्छा काम नहीं करती है सो आई थिंक वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो रहे हैं <laughs> हाँ अगर ईडी छोड़ देती जैसे चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन था जहां पे पता लग गया कि बीजेपी ने कुछ ट्रिक

कि उसके बाद इतना भी नहीं कि वो चार आरटीआई डाल के और चार लॉयर लगा के दो पांच लाख रुपए खर्च करके अजीत को के अगर पवार केस कर दे या so फिर बैंक बैंक नहीं? के फ्रीज कर दिए गए बैंक आता मैं? बैंक अकाउंट अकाउंट में में आता देखिए वो मैं आप कोर्ट में जाकर छुड़वा लीजिए ना मैं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करा दूंगा आप पांच दिन में कोर्ट में जाकर और वो भी कांग्रेस के लेवल पर कोर्ट ने कह दिया आपको नहीं आपका बिल्कुल वैल्ट केस है आप जो भी टैक्सेशन का है उसको सॉल्व करवाइए राइट आप टाइमिंग पे कह सकते हैं कि आज क्यों तब क्यों लेकिन उसका बीजेपी रिस्पॉन्स हमने तो मल्टीपल बढ़ा है अब अब जाके हुआ देखिए और एनी वन हुज अ राइट माइंड वो बैंक अकाउंट फ्रीज भी नहीं हुए है ना वो केवल लीन हुए हैं मतलब जितना आपने टैक्स नहीं पे करा है मान लिया आपका 500 करोड़ का है और आपने 100 करोड़ का टैक्स नहीं पे करा तो 100 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं केवल आप बाकी 400 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं समझ रहे हैं okay. वो हुआ है कांग्रेस के साथ केवल वो केवल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आपको चैनल में आके जोर जोर से हुँ. बोल रहे हैं मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया मेरा अकाउंट उनका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ उनका लीन हुआ है तो जितने की आप पे कल्पेबिलिटी भी है जितने की आप पे फाइन है उतना मैंने एक तरह से ब्लॉक कर लिया है जितने की मेरे पे फाइन है इतनी भी कल्पेबिलिटी है वो सौ करोड़ की इलेट्स से उतना मैंने केवल ब्लॉक कर लिया मैंने मतलब बैंक ने राइट या आई टी डिपार्टमेंट सॉरी आई डिपार्टमेंट आप उस टैक्स को पे कर दीजिए फ्री हो जाएगा उससे ये भी पता चला कि भाई उसने और बीजेपी शायद इसलिए भी करेगी दिखाने के लिए भी Hmm. बीजेपी गवर्नमेंट देखो कांग्रेस जब सरकार में थी तब तो थी hmm. पॉलिटिकल पार्टी भी करप्शन से चला लो अगर आप मनीष सिसोदिया को जाके कोर्ट से छुड़ा लेते हैं और कोर्ट कहता है कि सारे चार्जेस फ्रिवलस थे बीजेपी विल बी एक्सपोज इन द पब्लिक अगर आप चाहते हैं कि संजय सिंह जैन केजरीवाल कोर्ट कहता है कि आपके पास क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है कविता के आपके पास क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है और कोर्ट से छुड़ा लेता है या कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है देन दे शुड कम आउट एंड से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीजेपी ऑफ नॉट राइट आर दिसंग दैट नो बल्कि कुछ दिनों पहले तो ईडी भी अच्छी थी hmm. जब वो केजरीवाल के अगेंस्ट में थे तो कांग्रेस के लिए ईडी भी अच्छी थी और किसी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है hmm. या किसी केस में सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है किसी में बेकार हो जाता है तो इससे लोगों को भी समझ में आ गया कि सेलेक्टिवली ईडी सी अच्छी हो जाती है hmm. सेलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अच्छे हो जाते हैं तो दे नो कि केवल वो ब्राउनी पॉइंट्स करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए चैनल पे आके बोल रहे हैं राइट बट सर टाइमिंग जस्ट इलेक्शन के पहले आप नहीं, नहीं 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 इलेक्शन हमें ऐसा लग रहा है हमारे बहुत सारे इलेक्शन होते हैं जय मनीष सिसोदिया नौ महीने से नौ महीने I पहले, पहले कोई इलेक्शन नहीं मनीष सिसोदिया को समझ में आता है कांग्रेस का जो बैंक है जस्ट बिफोर द इलेक्शन केस मेरा प्रोग्रेस कर रहा है ना आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारे कोर्ट में कई के लाख केस पंडिंग है।, है एक केस तीन साल में शुरू होता है तो अपने तक आता है वो दो तीन साल तो या तो हम ये कह दें कोई लॉ बना दें कि भाई क्या कहते हैं इसको कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में किसी को चार्ज नहीं लगेगा बट ऐसा कुछ लॉ नहीं है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप किसी भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट नहीं कर सकते कोई नया चार्ज नहीं ला सकते ईडी टाइम काम नहीं करेगी बॉर्डर ऑफ कॉन्ट्रोल में सीबीआई काम नहीं करता ऐसा लॉ निकाल दे। लेकिन लॉ नहीं होगा तो ईडी तो अपना काम करती रहेगी वो देखी नहीं आज इलेक्शन है आज इलेक्शन नहीं है मैं उसको अरेस्ट करूं, नहीं करूं जैसे ही उन्होंने कविता को अरेस्ट करा उनको क्लिंचिंग एविडेंस मिले देखिए इवन ईडी विल बी केयरफुल इतने बड़े आदमी को पकड़ूंगा मैं इज नोन तो अगर मेरे पास जो भी एविडेंस खत्म हुआ तो मेरा पुराना केस भी खराब हो जाएगा hmm. मेरा जो केस है वाटर टाइट केस है जो मनीष सिसोदिया का जैन का संजय सिंह का वो भी वो भी मेरा लूज हो जाएगा वीक right. हो जाएगा क्योंकि एक ही केस में तो एविडेंस मोडल सेम ही है जैसे ही कविता से क्योंकि केजरीवाल प्लेट वेरी स्मार्टली ही वॉज नॉट सिग्नेटरी टू एनी डॉक्यूमेंट ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली हुआ नॉट द मिनिस्टर ऑफ एनी देखिए दिल्ली में तो आपको एक एक मंत्री को बहुत सारे मंत्रालय देने पड़ते हैं क्योंकि आपको केवल टेन परसेंट लोगों का मंत्री बना सकते हो तो सत्तर की अगर आपकी असेंबली तो सात लोगों को मंत्री बना सकते hmm. हो मीनिंग एवरी गवर्नमेंट नॉर्मली थर्टी फोर्टी फिफ्टी डिपार्टमेंट शायद डेली में थर्टी थ्री डिपार्टमेंट्स है तो थर्टी थ्री डिपार्टमेंट्स में नॉर्मली सात आठ तो चीफ मिनिस्टर के पास होते ही हैं hmm. दस तो होते हैं उसमें से अठारह उन्नीस तो केवल मनीष सिसोदा के पास थे तो भाई ये तो ऑलमोस्ट था कि भाई साइन उसका करेगा वो जेल में जाएगा मैं नहीं जेल में जाऊँ वो तो अपने आप उसने बाकी लोगों को फंसा रखा था कि करप्शन हम करेंगे जेल में कोई और जाएगा मैं तो जाऊँगा नहीं अब नाउ हैज इचिंग एविडेंस की एज ए हेड ऑफ द पार्टी और द हेड ऑफ गवर्नमेंट और एज द द हेड ऑफ कैबिनेट उसके पास एविडेंस है तो कविता के सीआर uh, की लड़की से जो एविडेंस मिले उनकी गवाही के बाद उसके बाद क्लिंचिंग एविडेंस मिले हुँ. अब या तो ईडी सोच ले कि भाई मैंने अरेस्ट आज किया का, कविता का मुझे क्लिंचिंग एविडेंस करें लेकिन मैं अरेस्ट करूंगा तीन महीने बाद वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा अनजस्टिस होता वो ज्यादा अनट्रुथफुलनेस होती तो right. so, मेरे ख्याल से हर चीज में टाइमिंग स्मेल नहीं करनी चाहिए सो so, सर जब हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की अगेन बात करते हैं आपने कहा कि स्कैम्स की जो हम बात कर रहे थे नाउ अगेन जब हम द वायर जैसे uh, जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्हें भी खोल के देख ले इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आर क्लियरली द बिगेस्ट स्कैम दैट इज एवर है ऐसा वायर को, हाँ, को लगता है एंड उसी मैं उस परस्पेक्टिव आप से आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्टली वट आर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे uh, क्यों ये एक स्कैम की तरह हम इसे नहीं देखें देखिए मैं आपके व्यूअर्स को कहूँगा इंटरनेट में जाके सर्च करिए सुभाष गर्ग जी के इंटरव्यू सुनिए hmm. कौन है सुभाष गर्ग जी सुभाष ऑफिसर yeah. जो मेरे ख्याल फाइनेंस मिनिस्ट्री में hmm. उन्होंने hmm. hmm. right? करप्ट तो नहीं होगा और वो क्या बोल रहे हैं है? है hmm. बता भी ना पाऊं मैं क्रूडली बताता हूँ जब इलेक्ट्रोर बॉन्ड्स नहीं थे उसके पहले क्या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं लड़ती थी अपने केस सुने हैं कि इतने करोड़ रुपए इलेक्शन hmm. के दौरान इस गाड़ी में पकड़ा गया उस गाड़ी में पकड़ा गया मतलब कैश फंडिंग तो होती थी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज को कैश की फंडिंग आती थी hmm. अब उनको एक टास्क दिया गया मोदी गवर्नमेंट ने सोचा मोदी गवर्नमेंट वॉज आफ्टर ब्लैक मनी थ्रू डिमोनीटाइजेशन थ्रू दे रिप्रेजेंटेशन इन द इन इन स्विस बैंक स्विस गवर्नमेंट देयर आफ्टर ब्लैक मनी दे सक्सेसफुल समवे देर नॉट सक्सेसफुल समवे राइट बट ट्राइंग इलेक्शन में काले धन का इस्तेमाल ब्लैक मनी का इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एनोनिमस इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं तो केवल एक बैंक को उसका जिम्मा दिया कि एस से जाके मैंने आपने पचास करोड़ का बॉन्ड खरीदा और आपने एक्स पार्टी वाई पार्टी को दे दिया हुँ. या आपने दस करोड़ का खरीदा एक्स को दे दिया और दस करोड़ का वाई को दे दिया जैसे कहते हैं ना हैजिंग द बेट क्या आपने कांग्रेस को भी दे दिया बीजेपी को दे दिया डीएम को दे दिया टीएम से दिया और इसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं राइट दो मैंने अभी सुभाष गर्ग जी का इंटरव्यू सुना उन्होंने कहा कि ओरिजिनल लॉ में ट्रेसिंग वाज नॉट अलाउड ओके

तो अब क्या हुआ जब आपको जरूरत है तब आप ट्रैक कर सकते हैं पहले तो आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते थे ना राइट मैं अभी आपके स्टूडियो में आके पचास करोड़ रुपए रख जाता हूं किसी को नहीं पता लगेगा ना अब कभी आपको जरूरत पड़ेगी एस को पता है इलेक्शन कमीशन को पता है सुप्रीम कोर्ट के नाक के नास्कोज जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी दो में तो अभी भी मैं दो से उन्नीस के बीच के ट्रेसिबिलिटी नहीं है राइट राइट दो हजार के बाद की ट्रेसिबिलिटी है केवल तो 2018 में एक बार पूछा गया था और तब उन्होंने कहा था कि शायद हम इसकी अनोर्मिलिटी हटा दें और फिर ये दोबारा से दो तो वापस चले तो गए का, का काम नहीं है सोल्यूशन देना या फिर उनके पास कुछ तो एडवाइजरी होना कि वर्ड ओवर कुछ और होता है तो अब क्या फिर फिर आप बॉन्ड इशू नहीं करेंगे ठीक है टेक्निकली उन्होंने कह दिया फिर कैश लो कैश दो अब आप वो कह देंगे नहीं गवर्नमेंट कैश को रोके अब अगर कैश को रोक पाती गवर्नमेंट तो रोक लेती ना पहले ही गवर्नमेंट पर कैश को रोकना इज टेक्निकली इम्पॉसिबल हर कैश में चिप लगा दे तो अलग बात है <laughs> तो नहीं इम्पॉसिबल सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वॉज ए मिडिल पाथ टूवर्ड्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी विच इज लाइक अ मे बी ओटोपिया और मे बी इट कैन हैपन इन फ्यूचर थ्रू सम टेक्नोलॉजी यूजेज आई एम नॉट अवेयर एनी वे व्यूअर इज अवेयर दे शुड राइट इन कमेंट्स राइट फ्रॉम कैश इट वॉज अ फार मोर ट्रांसपेरेंट वे एट इज ट्रांसपेरेंट टू समंस राइट दिस वॉज द फोनोमिना वॉट इज द इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स ठीक है अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को उन्होंने कहा एस को आई आप डिक्लेयर कर दीजिए और डिक्लेयर का डेटा आ गया अब थोड़े दिन उसमें ड्रामा हुआ कि पहले तो वो यूनिक की नहीं थी अल्फा एल्फानेरिक कोड नहीं था बाद में वो कोड भी आ गया कोड से बड़ा इजी हो गया अब एक्सेल में वी लुकअप लगा के <laughs> सीधे देख सकते हैं कि किसने किसको पैसा दिया ठीक है अब पैसा कितना पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से दिया गया बीस हजार करोड़ रुपए उसमें से कितना बीजेपी को मिला छह हजार करोड़ बचावा चौदह चौदह हजार करोड़ किसको मिला अपोजिशन पार्टी इस समय बीजेपी हैज गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ट्वेल्व थर्टीन स्टेट्स राइट

तो उनको तो अपनी परसेंट से कम पैसा मिला इनफैक्ट मैं बीजेपी तो तो right. अगर मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर निकला हूं मैं इंडस्ट्रिय हूं तो मैं तो बीजेपी को उसकी स्ट्रेंथ के बराबर पैसा ही नहीं दे रहा हूं तो कम पैसा दे रहा हूं right. बीजेपी तो को तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए उसको दस हजार करोड़ में मिलना चाहिए राइट पार्टी उसको हजार करोड़ से ज्यादा मिल गया उसको ऑलमोस्ट कांग्रेस के कंपेयर कांग्रेस शुड फील वेरी बैड कि भाई मुझे टीएमसी से के बराबर या उससे कम पैसा मिला है डीएमके विच इज लाइक अ वन स्टेट पार्टी उसको बहुत सारा पैसा मिल गया hmm. तो देन व्हाट विल दे लॉर्ड ऑफ पीपल आर सेइंग बीजेपी को ऐसा मिला वैसा मिला अगर आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से comfort, आप कंफर्टेबल नहीं थे आप हाँ मना कर देते ना भैया मैं नहीं ले रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे कांग्रेस hmm. ने मना किया क्या टीएमसी ने मना किया क्या डीएमके ने मना किया आज हाँ आज बुरा है तो आई थिंक अगेन इट्स अ परसेप्शन बैटल कि जो जितने जोर से चिल्ला देगा कि बीजेपी को छह हजार करोड़ मिला है मुझे केवल एक हजार करोड़ रुपए मिला है इसके दो तरह से सोचने के हैं भाई आप पार्टी भी तो चालीस चालीस छालीस सांसद की हो यू आर फोर्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी तो आपको आपके रेशो में तो बहुत ज्यादा मिल गया राइट इज हाउ मच ऑफ डर फाइव फोर्टी उनको तो अपने रेशो से ज्यादा पैसा मिल गया वर्सिस और टीएमसी चलो कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है उसको बीस वोट तो मिलता है टीएमसी uh, को uh, कितना नेशनल बोर्ड मिलता है साढ़े तीन परसेंट नेग्लिजेबल है साढ़े तीन परसेंट ढाई परसेंट तीन परसेंट उनको कैसे हजार करोड़ मिल गया क्वेश्चन शुड बी हस्ट टू देम तो मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ना तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लगती है पर्सनली क्योंकि वो ब्लैक मनी को एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ ट्रेसिबिलिटी दे रहा है और सारे लोग उससे पैसा ले रहे हैं टीएमसी भी ले रहा है डीएमके भी ले रहा है कांग्रेस भी ले रहा है राइट right? uh, और तीसरा किसको किसके रेशो में मिला नेशनल पार्टी hmm. को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनको भी पैसा मिलता था तब right. तो कोई रूट ही नहीं था तो हम पता ही नहीं लगा सकते राइट hmm. right? फिर चौथा आता है कि भाई उनको उनको टेंडर लेने के लिए मिला hmm. उनको, also, ये मैं बार... आता हूं, किसी को टेंडर लेने के लिए मिला hmm. किसी को जिसे की रेट ऑल काइंड ऑफ कि मेगा कोई कंपनी है hmm. उसको टेंडर hmm. के पहले भी मिला बाद में भी मिला उसने बीजेपी गवर्नमेंट से टेंडर लेके तमिलनाडु को भी दिया और सो बेसिकली वॉट देर एवरी पार्टी आप सेलेक्टिवली केस पिक करके एक डेटा दिखाएंगे तो आपको एक तरह का दिखेगा एक कोई गेमिंग कंपनी है है उसने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा दिया राइट और उसके हर पैसा मिलने के बाद फिर भी रेड हो रही है पैसा बीजेपी को पैसा दिया तो बीजेपी तो फिर तो बहुत ही स्मार्ट पार्टी है वो पैसा भी ले रही है रेड भी कर रही है तो देर आर ऑल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन राइट मतलब हर पार्टी को मिला है एक कंपनी ने हर पार्टी को दिया है टेंडर यहां से भी मिला है टेंडर वहां से भी मिला है मतलब देने के बिना भी मिला है देने के बाद भी मिला है और अगर आपको लगता है कि अनफेयरली टेंडर मिला है लिट मस्ट अगेन गो टू द कोर्ट जो जब टेंडर मिला होगा तो दस लोगों ने अप्लाई किया होगा तीन लोग तो मस्ट है रिक्वायरमेंट है टेंडर को देने के लिए उसमें जो सेकंड पार्टी है वो कोर्ट में जाए आज कि मेगा को अनफेयरली टेंडर मिला आजकल तो अच्छा है सारे ई e टेंडर होते हैं सबके डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं आप देख सकते हैं आप जाइए क्योंकि उन्होंने दिया था और जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाए डीएम के भी जाए टीएमसी में भी जाए राइट सो आई थिंक दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट स्टिकिंग Every एवरी टाइम राहुल गांधी कांग्रेस कम्स विदिया Modi, ही ट्राई टू पुट ऑन मोदी स्टॉक में माफी मांगनेटेड की मोदी पर चिपकेगा कि मेरे को स्नोपिंग हुई स्नोपिंग हुई जब अपना फोन देने की बात है फोन में नहीं देटिव स्ट्रेट ही कर ही नहीं पाते हो. वो नहींटिव क्योंकि होता ही नहीं है अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोल मुझे उल्टा पड़ता वो दिख रहा भाई

Uh, जब हम वो पिछला वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि किस मिनिस्टर को या किस अपोजिशन uh, के पार्टी के लीडर को कब जेल uh, हो रही है कब अरेस्ट हो रहा है एट द सेम टाइम अजीत पवार या छगन uh, भुजबल नारायण रानी ये लोग अलायंस बना लेते या बीजेपी में आ जाते hey. तो वो क्लियर हो जाते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल एंड हाउ इज दिस फेयर देखो फेयरनेस तो गेम 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 इज न बटर वर्ड पॉलिटिक्स लाइक अर्ट ऑफ विनिंग और अंस ऑफ विनिंग आपको गवर्नमेंट बनानी है अगर आपको अच्छा काम भी करना है तो गवर्नमेंट में रह के करना पड़ेगा अपोजिशन में केवल आप शोर मचा सकते हैं चिल्ला सकते हैं बट इफ यू वॉन्ट टू डू गुड गवर्नेंस राइट तो आपको गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा गवर्नमेंट में रहने के लिए आपको कुछ तरह के कॉलेशन करने पड़ेंगे राइट आपको साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा द लिटमस टेस्ट अगेन इज एनी अजित पवार इज करप्ट एनी बड़ी सेंग करप्ट

सर कमिंग टूर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट दो क्वेश्चन है मेरे पास में ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन भी था इसमें इवन यू हैव मोदी जी अ लॉट ऑफ टाइम्स इनस्टेड ऑफ बीजेपी ये पूरी पार्टी की जो माइट है इन इंटेलेक्चुअल्स लाइक यू एज वेल द स्पोक्स पर्सन एज वेल ये पूरा जो माइंड है ये एक इंसान के पीछे क्यों इंस्टेड ऑफ द होल पार्टी सी जय इन फ्रॉम मैनेजमेंट कॉलेज टू पोलिटिकल साइंस कॉलेज वी डू हैव अब्जेक्ट कॉल लीडरशिप लीडर्स राइट there are mm. tons and books on leadership qualities and how to be a leader right so leader is important mm. i'm sure you will not disagree right yeah. and from corporate companies to political parties to social organization, there is a value of a leader mm. right an important leader an important ceo to an important politician can take an organization a political party to amazing height mm. that we have seen in narendra modi right and narendra modi is a, is a product of a impo very important process mm. which i told you 15 फिफ्टीन ईयर फर्ट ऑफ ऑल बॉर्न इन 10 बाई टेन हाउस टी चाय बेचते हुए दस बाई दस के कमरे में गरीबी को जिया है उनके लिए गरीबी को ट्यूशन क्लास नहीं है राइट फिर वो संघ में रहे संघ में उन्होंने समाज को सीखा वो किसान के घर में भी रहे टीचर के घर में भी रहे डॉक्टर के घर में भी रहे नर्स के घर में रहे लोग कहते हैं उनका परिवार नहीं है लेकिन वो हजारों घरों में रह चुके हैं राइट ही अंडरस्टैंड इंडियन टिपिकल फैमिली ऑफ मल्टीपल स्टार्टअप मोर देन एनी वन एल्स उनके लिए पार्टी right? right. में आते हैं कभी हिमाचल का चुनाव देख रहे हैं चुनाव देख रहे हैं कभी उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं उनको वो भी समझ में आता है hmm. उनके लिए वो भी ट्यूशन क्लास नहीं फिर है फिर वो सीएम बन जाते हैं फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं एंड बेस ऑफ इट इज अ फैक्ट्री कॉल आर एस एस आई एमूड वर्ड फॉर आर एस एस आर एस एस कहता है चरित्र का एक मशीन हूं राइट hmm. right? आर एस एस के जो चाहे उसके शाखा हैं चाहे उसके बौद्धिक हैं चाहे उसके प्रवास हैं उसका जो मेन है, चरित की। मैं है, को, एक है चरित, एक चरित्र निर्माण को बेस्ट प्रोडक्ट द मशीन कॉल आर एस एस इज क्रिएटेड नरेंद्र मोदी अबाउट सो मच राइट कई बार पर्सनल ट्रेड भी होते हैं ना कि भाई एक टीचर सिखाता है पचास बच्चों को right. सारे पचास बच्चे एक बिर्लें, एक के नहीं निकलते hmm. ना, किसने उसको जिया किसने उसको एक, एक एक तपस्या की तरह जिया नरेंद्र मोदी लिव्ड इट लाइक अ अ लाइक ओथ राइट लिव्ड इट एज अ लिव्ड एक्सपीरियंस राइट दैट्स व्हाई नरेंद्र मोदी अबाउट सो मच देर इज अ नरेंद्र मोदी फैक्टर मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई उन्होंने कहा गिव इट अप एक स्कीम ली कि आप अपनी गैस की सब्सिडी hmm. अगर आपको लगता है कि आप गैस नॉर्मल रेट से खरीद सकते हैं तो इसकी अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी दिस इज़ नॉट दिस इज नॉट ए स्कीम दिस इज द वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कोई और एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता कोई और कहता तो कुछ लाख लोग भी नहीं छोड़ते हज़ार छोट छोड़ भी नहीं छोड़ते दिस इज नरेंद्र मोदी फैक्टर क्योंकि उनको पता है नरेंद्र मोदी ने कहा है तो ठीक होगा एंड दिस कम्स फ्राम इज फिफ्टी ईयर्स ऑफ जो शुचिता से जिया हुआ जीवन है जो एक आदर्श जीवन जिया है दैट ब्रांड दैट सोशल कैपिटल ही इज कैरिंग राइट उन्होंने कहा बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से अपनी आई आर सी टी सी की जो बुजुर्ग सब्सिडी वो छोड़ दो लाखों लोगों ने छोड़ दी कोरोना के टाइम में उन्होंने कहा कि आ, घर पर रहने लोगों विदेशों में बहुत जगह जय लोग लॉकडाउन नहीं लगा पाए लॉकडाउन आप पुलिस के चक्कर में नहीं लगा पाए पुलिस तो दो लोगों को लाठी इधर मारेगी उधर मारेगी इतनी सारी जनता है वो कहीं भी सड़क पर आ जाएगी बिकॉज नरेंद्र मोदी सेड इट लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स बहुत डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं वी हैव टू एंकरेज देम आप घंटी बजाओ इट मेस साउंड स्टूपट लेकिन लोगों ने पूरे इंडिया में बॉलीवुड का एक्टर से लेकर गाँव का गरीब आदमी भी घंटी थाली बजा रहा है हम खुद बजा रहे थे एंड हम लोग सब बजा रहे थे एंड मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात करी दे फेल्ट वेरी इमोशनल अबाउट इट क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे थे वो तो रोज वो मास्क मास्क लगा के हॉस्पिटल जा रहे थे तो होल नर्सिंग स्टाफ द होल पैरामेडिक स्टाफ द होल डॉक्टर स्टाफ उनके घर में सोचो जब आदमी कोरोना के डेन में जाके वापस आ रहा है रोज उसके लिए जब आदमी थाली बजा रहा है वो किसी के कहने वो नरेंद्र मोदी के कहने से सो तो नरेंद्र नोटबंदी हुई नोटबंदी अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर करता मैं बता रहा हूँ राइट्स हो जाते सड़क पर आप मेरा पैसा नहीं लेने दे रहे हो मेरे घर में कल शादी है भाई बैंक वाले को मार डालते हैं वहां पे लोग बट पीपल वोट नरेंद्र मोदी सेड इट अगर कुछ सोचा है तो उस आदमी ने सोच के ही करा होगा मेरे को इनकन्वीनियंस है उसके बाद यूपी इलेक्शन हुआ जस्ट दिसंबर hmm. में लगा जनवरी दे वन विम्पिंग मेजोरिटी राइट सो द नरेंद्र मोदी फैक्टर द द काइंड ऑफ लाइफ वे ही लिव सोशल कैपिटल ही कैरीज दैट इज द नरेंद्र मोदी फैक्टर एंड एज अगेन से ही इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट द आर एस एस चरित्र निर्माण फैक्ट्री हैज एवर क्रिएटेड राइट सो सर इज दिस वेरी फेमस यूट्यूबर जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था डिक्टेटरशिप के ऊपर एंड आई बिलीव की एटलीस्ट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो एक्चुअल डिक्टेटर्स होते हैं दे आर वेरी क्लेवर इन सबवर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया एंड ओवर द टाइम वो इतना आपके आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं होती वो भी आपको नॉर्मल लगने लगती है आफ्टर अ टाइम वाइल्ड टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ही इज़ नॉट अ डिक्टेटर वेन एंड आई हैव सम डेटा फॉर दैट लाइक उनका जो प्राइमरी स्कूल है उसे प्रेरणा स्थल के नाम से अब बोलने लगे एंड पीपल आर सेइंग कि वहाँ पे स्कूल ट्रिप्स एंड कॉलेज ट्रिप्स लेके जाएंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कहाँ से ये इंसान आया आफ्टर दैट वी हैव मोदी कॉलेज मोदी एग्जिबिशंस दिस इज समथिंग बिजार जो कि मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके नाम का टेम्पल बना दिया देर इज लिटरली एक आइडल right. है वहाँ पर जो उनको डेडिकेटेड है देन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है कुछ जिन्होंने कहा कि इलेवें अवतार ऑफ विश्नु यह डिकटेटरशिप किस तरह से नहीं है राइट सी फ्रॉम लास्ट टेन ईयर्स नरेंद्र मोदी इज विशंस राइट हीउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड अंडर हिज लीडरशिप बीजेपी हैज वन मल्टीपल स्टेट इलेक्शन वेरी टफ वन इज ऑल्सो वेयर दे ने लाइक नॉर्थ ईस्ट लाइक आसम राइट विच वी ऑल नो अपोजिशन के पास कोई काट नहीं है hmm. तो क्या करेंगे वो नेम कॉलिंग शुरू करेंगे बोलेंगे नरेंद्र मोदी डिक्टर आर दे सेइंग दैट नरेंद्र मोदी वन बाय रिगिंग इलेक्शन दे डोंट हैव एनी एविडेंस राइट ही वन इन ऑल डेमोक्रेटिकली फेयरली डन इलेक्शन इंडियन इलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट फेयर इलेक्शन इन द वर्ल्ड राइट And salute to Election Commission of India hmm. that when 97 crore vo uh, voters with almost lakhs of machinery, lakhs of polling booths, almost crores of polling station workers, they execute election, hmm. which is like a festival of democracy across across globe, right?

सर पांच मंदिर होंगे दस मंदिर होंगे एक राइ? तो राजकोट में है एक का उत्तर प्रदेश में शिव जी के साथ ही उनकी पूजा की जा रही है हाँ ठीक है करी होगी अब वो नरेंद्र मोदी ने, ने बनवाया है क्या आपने सचिन तेंदुलकर के मंदिर देखे आपने अमिताभ बच्चन के मंदिर देखे क्या वो दोनों डिक्टेटर हैं no. भाई अगर समवन इज डूइंग सो गुड वर्क एंड ही इज योर ही इज योर आइडल राइट तो आप उनकी पूजा करते हैं बट अब पूजा ऐसा कल्ट बन गया या तो अगर ऐसा हो कि मैं मुंबई में हम अभी थाने में है मुझे बैंड्रा वापस जाना है जाने जाने में सौ मन नरेंद्र मोदी के मंदिर देखूंगा तो मैं कहूंगा यार नरेंद्र मोदी दो मंदिर बने अगर अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर मेरे पीएम नहीं है ना एक्साम्पल दे रहा हूं मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ एनी बड़ीब्रेटेड जिसने मेरा जीवन चेंज करा है बल्कि तेंदुलकर ने तो मेरा जीवन नहीं चेंज करा तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन ओनली एडेड सम हैप्पीनेस इन माय लाइफ दैट्स ऑल है मेरी कंट्री जीत गई उसने मुझे दस अच्छी पिक्चरें दिखाई पर नरेंद्र मोदी चेंज माय लाइफ मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ पाते हैं वो पक्की छत में सोते हैं अब मैं टॉयलेट जाती हूं मेरे घर में पानी दीज आर फंडामेंटल थिंग नरेंद्र मोदी इज चेंज सो ही इज लिटरली भगवान फॉर लॉट ऑफ पीपल हम लोगों को शायद नहीं समझ में आया बिकॉज वी वर लिविंग ए राइट इवन बिफोर Maybe, hmm. right? में बेटर लाइफ में भी राइट लेकिन उनके सच में भगवान है लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल भी तो एक दो तीन है राइट hmm. right? तो वो तो कोई भी आदमी का जो भी सेलिब्रेटेड होगा उसके अराउंड धोनी के भी मंदिर है सचिन तेंदुलकर के भी मंदिर है अमिताभ बच्चन के, के मंदिर।, दस्त। 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 मंदिर थे थे। से तीन सौ जाने में टाइम भी नहीं लगेगा ना नहीं, दस साल में तो नहीं बने अगर बन जाएंगे तो हम वी लेटर दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन और वो उन लोगों से जाकर पूछेंगे मैं तो उन लोगों से पूछूंगा कि भाई आप उनको विष्णु का अवतार क्यों कह रहे हैं किसी एक एमपी ने कह दिया अगर विष्णु का अवतार वो तो मैंने जब आ, मैं मैं बहुत बगा आ, आ, क्या नाम है राहुल गांधी के पोस्टर देखे मैंने जहां पे राम की जगह चेहरा लगा दिया जो तो राम विरोधी भी हैं जिनके लिए तो राम इमेजनरी थे जहां जो कहते हैं जो लड़के मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ते हैं उनको भी राम अवतार बनाया तो किसी एक सपोर्टर ने एक्साइटेड होकर लगा दिया दैट्स नॉट बिकम आई पोलिटिकल राइट और अगर ऐसा कोई डिक्टेटर है जो चार करोड़ लोगों को घर दे रहा है दस करोड़ लोगों को गैस दे रहा है दस करोड़ लोगों को टॉयलेट दे रहा है जो डीबीटी से पैसा पहुंचा रहा है जो लीकेजेस रोक रहा है तो ऐसा डिक्टेटर तो फिर अच्छा डिक्टेटर है एक दूसरा नरेटिव आता है जय दैट मीडिया की आवाज बंद करी जा रही है राइट यू आर क्रॉस क्वेश्चनिंग मी फ्रॉम क्वाइट सम टाइम जब ये वीडियो एयर होगा तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी के ऑफिस से आपको कॉल आएगा ये कभी मैं करीब साढ़े पाँच साढ़े चार पाँच हज़ार डिबेट कर चुका हूँ पिछले छह साल में एंड आई एम कंसिडर मोदी सपोर्टर मैं किसी डिबेट में अकेला नहीं बैठा था मैं अकेला बैठा हूँ और मैं मोदी 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 hmm. मोदी गाना गा मैं जैसे ही मोदी बोलता हूं तो सुप्रिया सनीत मेरे अगेंस्ट में बोलती है hmm. कोई आ, आ, और कोई एनालिस्ट हु इज प्रो कांग्रेस और प्रो लेफ्ट

मैं तो कहूँगा बीजेपी का इको वी, सिस्टम वीक है दैट वे वो बचा क्यों नहीं पाया को साथ और उसका चैनल एक पैसे भी कमाता होगा बेचारा उससे उसका घर चलता होगा उसके थ्रू राइट सो ये जो नेरेटिव है दीजा दोस्त मेरे पास कुछ नहीं मिलता तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा आर लाइक किड्स याद है आपको बचपन में हमारे कभी नंबर कम आते थे तो हमारी गलती कभी नहीं होती थी उस दिन पेंसिल टूट जाती थी उस दिन टीचर होता था उस दिन गर्मी बहुत लगती थी उस दिन मेरे को पेट में दस्त हो गए थे मेरे को सारे रीजन तो ये नहीं बताया था मैंने पढ़ाई नहीं भैया मैंने दस में से तीन चैप्टर का तैयारी करा था एग्जाम में वो, वो सात चैप्टर में से आ गया राइट राहुल गांधी का ये सत्रवीं पार्लियामेंट चल रही है इस समय उसमें अटेंडेंस कितना है चालीस परसेंट पैंतालीस परसेंट राइट राइट और आपको लगता है कि ऐसे अटेंडेंस होती होगी नेशनल जो एवरेज है इंडिया का वो एट्टी फाइव टू नाइनटी परसेंट रहता है वो तो राहुल गांधी जैसे लोग कम करते रहे राहुल गांधी के घर से चलना शुरू करोगे तो 20 मिनट में पहुंच जाओगे साइकिल से पांच सात मिनट में पहुंच जाओगे कार तो स्टार्ट करोगे और पहुंच जाएगी बिकॉज लुटेन में सारे घर पार्लियामेंट के अराउंड है अखिलेश यादव ढाई साल पार्लियामेंट में थे अभी वो असेंबली में चले गए वापस ढाई साल में आजमगढ़ से एमपी थे उनको भी सारे पार्लियामेंटन को घर मिलता है दिल्ली में अखिलेश यादव की अटेंडेंस उस ढाई साल में रही थर्टी अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के पोते उनकी अटेंडेंस आज आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंद्रह है दीज आर लाइक यूथ आईक राइट आपको तीस टिकट मिलते हैं जय एज ए मेंलमेंटेरियन यू गेट थर्टी ऑलमोस्ट ट्वेंटी टिकट टू फ्लाई इन एंड आउट आपको लगेगा रहना है आपको टू इन एन आउट इनको इतना भी टाइम नहीं है जो सौ दिन पार्लियामेंट लगती है वो उठ के आ जाए अपने उस बंगले में रहे जो दिल्ली में उनको मिला है उठ के पार्लियामेंट में चले जाए hmm. देखिये एक बार को सत्तर अस्सी भी हो तो चलूंगा साठ सत्तर भी हो तो मैं चलूंगा ठीक है भाई फर्स्ट डिविजन तो पास हुआ फिफ्टीन परसेंट थर्टी थ्री परसेंट मतलब राहुल गांधी इन सब में अच्छे हैं कैन यू इमेजिन मतलब 40 परसेंट पैंतालीस परसेंट के साथ राहुल गांधी इज बेटर ऑफ अखिलेश यादव एंड अभिषेक बनर्जी hmm. राइट अमेठी से हार गए वो वो पांच साल में पांच बार नहीं गए अब चुनाव भी नहीं लड़ रहे hmm. जो आपका बैश्चन है जहां से आपके बाप दादा लड़े करते थे वहां से आपको उखाड़ के फेंक दिया गया आप वायनाड right. उस जगह में लड़ रहे हैं जहाँ की भाषा भी नहीं आपको आती है राइट तो आपको मेहनत से मेहनत तो मैच करनी पड़ेगी ना भैया आप कहें कि नरेंद्र मोदी तो चौबीस बटा सात पॉलिटिक्स करें hmm. अमित शाह तो चौबीस बटा सात पॉलिटिक्स करें लेकिन मैं वीकेंड पॉलिटिशियन रहूंगा आई विल फ्लड विद आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स मैं अपनी यात्रा के बीच में चार दिन लंडन चला जाऊंगा राइट राइट तो ऐसे तो नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ एंड देवेंद्र फडणवीस एंड स्मृति ईरानी एंड हेमंत बिस्वास चेंज द डेफिनेशन एंड ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यू शुड यू हैव टू बी ए 24 फोर बाय सेवन पॉलिटिशन हैव यू सीन दैट बॉय के एन एमल ज एक्स आई पी एस ऑफिसर आई एम लखनऊ ग्रेजुएट राइट बॉर्न इन ओबीसी फैमिली फैमिली प्लस ऑफ तमिलनाडु इन हंड्रेड डेज विच पॉलिटिशियन ऑफ तमिलनाडु डन इन लास्ट फिफ्टी ईयर्स उदयनिधि महारन के पास केवल एक स्टेटमेंट है कि हिंदू गंदा हिंदू गंदा हिंदू करोना है हिंदू सनातन धर्म एड्स है आई एम ग्रेजुएट एक्स आई पी एस ऑफिसर इज रोमिंग अराउंड इन एवरी कॉन्स्टिटुएंसी और फिर वो कल को, कल को जीत जाएगा तो आप कहेंगे हिंदू के चक्कर में जीत गया वो इसके चक्कर में जीत गया आप वो ईडी के चक्कर में जीत गया भाई उसने तीन सौ दो सौ तीस कॉन्स्टिटेंसी घूमी है पिछले सौ दिन में उसने तमिलनाडु को देखा है मोदी चेंज द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स फॉम ए कास्ट बेस्ड सेकेंड नेम बेस्ड नेपोटिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स टू अ मेरिटोक्रेसी पॉलिटिक्स और अगर बीजेपी उस थ्रेड को लूज कर जाती है तो बीजेपी में फॉरन टू ट्रैप ऑफ कांग्रेस अगर कल को आज के बाद अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन है नड्डा जी उसके पहले कौन थे अमित शाह जी उसके पहले कौन थे राजनाथ जी उसके पहले कौन थे गडकरी जी उसके पहले कौन थे वेंकैया नायडू इनमें से किसी का नाम का सेकेंड नेम कॉमन है क्या नहीं इसमें से सारे एक स्टेट से आते हैं क्या no. इस समय सारे से एक भाषा बोलते हैं क्या राइट right? वो हिंदुइज्म केट को मानते हैं क्या नहीं दे आर देयर फ्रॉम एबीवीपी डेज ये सबका पचास पचास साल का राजनीति है दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉट बिकॉज देयर गांधी और यादव और स्टालिन और बैनर्जी राइट hmm. right? अगर ये लोग ये राजनीति छोड़ देंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और स्टालिन की पार्टी और डीएमके और आरएलडी मे ऑलसो स्टार्ट बीकम बीजेपी सो दे हैव टू कम ऑन द मेरिट प्लान राइट एंड उसके बाद हर चीज बहाना लगेगी कि भाई right. आपको तो अपने लड़के को ऊपर पढ़ना इवन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में तो देर इज ऑल प्रोपर्टी सुनीता केजरीवाल नॉट ए आतिशी मार लेना हुक्सफर्ड ग्रेजुएटेड सुनीता केजरीवाल कि भाई घर पर ही रहे पार्टी एवरी स्मार्ट पर्सन ही कुमार विश्वास स्मार्ट वेरी वोकल गुड टीवी फेज रिमूव्ड भूषण गुड लॉयर रिमूव्ड यादव गुड सोशल एक्टिविस्ट रिमूव राइट आशुतोष गुड टीवी स्मार्ट हु कैन टेक ओवर मे बी अरविंद केजरीवाल एट सम पॉइंट रिमूव राइट कौन आ रहा है उसके बाद सुनीता केजरीवाल सो ये आपको हटाना पड़ेगा दिस ग्रामर दैट नरेंद्र मोदी चेंज द ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बट ये जो परिवारवाद किस कहते हैं इसे right. तो ये तो बीजेपी में भी हम देख सकते हैं ना मतलब ऑफ right. कोर्स वो पॉलिटिकल पोजीशंस पे नहीं है बट देन एग्जिस्ट तो करता है एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज अ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सिर्फ तब बनता है जब आप किसी और को आने ना दे खुद वो कैप्चर कर लिया देखिए हाउ आई अंडरस्टैंड परिवारवाद और नेपोटिज्म इज एस टू लेवल फर्स्ट लेवल इज हु इज रनिंग द पार्टी कैन एज अ कार्यकर्ता I have I can have an aspiration of become the party president of the district, party president of the state and the national president and the prime minister. And BJP a person can a hmm. uh, uh, Narendra Modi who was a third level leader in 2014. आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे जहाँ जेठली बैठे हैं, गडकरी बैठे हैं, राजनाथ जी बैठे हैं and Narendra Modi is managing the stage. वो परची लाके दे रहे हैं आपको पीछे से कुछ बोल रहे हैं आपको मतलब he's 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 like managing the show.

इन सबको हटा के बिकॉज नरेंद्र मोदी को ऊपर ले आए ऐसा आप कांग्रेस में सोच ही नहीं सकते ऐसा आप कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता सोच सकता है कि कल मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाऊंगा अखिलेश को छोड़ के कोई ममता बनर्जी की पार्टी का सोच सकता है ममता क्या नाम है उनका महुआ जी छोड़ सकती हैं जो पैसे लेके क्वेश्चन पूछती हैं पार्लियामेंट में वो सोच सकती हैं क्या क्या वो किस दिन आ, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकती है नहीं सोच सकते तो उनकी ये सीलिंग है ग्लास सीलिंग है जो एक फैमिली डिसाइड करती है राइट वर्सिज अनम महाजन Or, or, or any, any, maybe uh, Rajnath ji's son or Anurag Thakur, they have to still perform, otherwise, they will get out. Hmm. You know, Rajnath San son, Pankaj Singh, he's a MLA from Noida. Yeah, right? He worked in the party for almost 15 years. वो युवा मोर्चा में रहे उन्होंने पार्टी के सारे काम है आज बस्ती में रैली लेके जाओ आज मेरठ में रैली ले जाओ बस साल तो जो हम धूल फाकना कहते हैं mm. वो सब कुछ करा तो आज ले, और आज भी मिनिस्टर नहीं है दो बार की योगी गवर्नमेंट ही इज नॉट हाजी मिनिस्टर स्टिल राइट सो सचिन तेंदुलकर का लड़का क्रिकेट में आए आई डोंव ए प्रॉब्लम बट सचिन तेंदुलकर का लड़का एक मैच में परफॉर्म नहीं करता है पांच मैच में नहीं करता है पचास मैच में नहीं करता फिर भी वो इंडियन टीम में है दैट्स कॉल्ड ने राइट राहुल गांधी एक इलेक्शन दो इलेक्शन पांच दस पचास सौ सब हारता जाता है स्टिल जो यात्रा चलेगी वो राहुल बाबा के नाम पर चलेगी दैट्स hmm. अगर दो इलेक्शन अनुराग ठाकुर हार जाते हैं वो बाहर हो जाएंगे पक्का right. पूनम महाजन हार जाती है तो वो बाहर हो जाएंगे पक्का ये नेपोटिज्म नहीं है और पूनम महाजन से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर सबके अटेंडेंस 80 90 परसेंट है दे आर नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए किसी का बच्चा पॉलिटिक्स में आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम देर नॉन परफॉर्मर एंड स्टिल मेंटेन देर एंड पार्टी पार्टी अनुराग ठाकुर नहीं चलाते हैं भाजपा अनुराग ठाकुर नहीं चलाते हैं पूनम महाजन नहीं चलाती sure. हैं राजनाथ जी का लड़का नहीं चलाता है पार्टी आज भी एक संगठन चलाता है पार्लियामेंट्री कमेटी चलाती है उसके आज हेड गवर्नमेंट के नरेंद्र मोदी हैं अमित शाह हैं और जेपी नड्डा है या बीएल संतोष हैं पांच साल बाद दूसरा एक और पॉलिटिकल ऑर्डर है कोई और लोग आ जाएंगे जो मेरिट से ऊपर आएंगे ना कि वो गुजरात के हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के हैं उत्तर प्रदेश के हैं right. जो मेरिटोरस होगा वो ऊपर आएगा आई थिंक दैट दैट इज नेपोटिज्म और परिवारवाद आएगावाद पर, पर, बार बार पर जब हम नरेंद्र मोदी की भी बात करते हैं एंड प्रोबेबली आई वॉन्ट टू एंड द पॉडकास्ट ओवर ह्यो ये बहुत पुराना केस है विच इन की एक बहुत पुरानी जर्नलिस्ट थी गौरी लंकेश जी हु मर्डर्ड उनके मर्डरर्स <coughs> को हमारा पीएम फॉलो कर रहा है ट्विटर पे एंड ऐसे और कई सारे इंस्टेंस है जहां मिसक्रेंट्स होते हैं सोसाइटी के mm -hmm. उन्हें ट्विटर पे फॉलो किया जाता है फ्रॉम ऑफिशियल अकाउंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाउ इज दिस जस्टिफाइबल राइट सी आई एम नॉट जस्टिफाई वॉट एवर फैक्ट आई नो एंड जस्टिफाई नरेंद्र मोदी गौरी लंकेश का कोई मर्डर करता है और मेरे ख्याल से अब वो पकड़े भी जा hmm. चुके हैं बीजेपी की सरकारें रही हैं कर्नाटका में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं उस पर्टिकुलर मर्डर को नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं करते आई डोंट नो वेरी श्योर कि जिसने मर्डर किया था जो कल्प्रिट कन्विक्ट हुआ है उस आदमी को नॉट हिम बट देन जो, जो, जो के फेवर में लिखा हुआ उसने फेवर में लिखा हुआ देखिए मेरे ख्याल से होता क्या होगा राइट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और दीप टीम विच इज मैनेजिंग मैनेजिंग द कम्युनिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एवरी मंथ एवरी क्वार्टर माइट बी सींग सम गुड हैंडल्स एंड दे मास्ट भी फॉलोइंग

और इसलिए उन पर केस नहीं चल रहा है ट इज बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे या जब फॉलो करता था तब वो कैसा था वो आज कैसा है आई डॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विल कीप डूंग दिसको मैं फॉलो करता हूँ उन्होंने आज क्या ट्वीट करा देकली बट दट बी ओवरकिल बहुत सारा काम हो जाएगा

तो शायद प्राइम प्राइमि अनफॉलो भी कर हैं अगर वो पब्लिक नोटिस hmm. में आ जाए तो राइट आई हैव द प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया टीम इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सोशल मीडिया टीम द वे ही ट्वीट जैसे उनके क्लिप्स आते हैं जिस लैंग्वेज में आते हैं कभी तेलुगु में आते हैं कभी तमिल में, right. में आते हैं कभी हिब्रू में आते हैं कभी अलग लैंग्वेज में आते हैं बड़ी सदी हुई भाषा होती है अच्छे क्लिप्स होते हैं आई थिंक सोशल मीडिया सोशल मीडिया टीम एंड वे प्राइम मिनिस्टर्स टीम एंड प्राइम मिनिस्टर्स टेकन कम्युनिकेशन कनेक्शन विद पीपल इज टू अनदर लेवल राइट तो ये करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है कि एक बात तो श्योर है एंड आई थिंक सो इवन द अपोजिशन अग्रीज ऑन दिस कि ये इलेक्शन तो गया है उनके हाथ से एंड वी माइट सी द गवर्नमेंट सेम पार्टी कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट राइट बट ये 370 अगर पार कर जाते चार, चार सौ पे पहुँच जाते हैं वट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया सी चार सौ पान ऐसा नहीं है भारत में पहले हुआ है राजीव hmm. गांधी को 1984 में चार सौ hmm. मिला था सम्पैति वेव में मिला था उसके पहले भी कांग्रेस ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे यूज़ टू गेट लॉट ऑफ सीट्स राइट सो आई थिंक फ्यूचर ऑफ इंडिया थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू वेरियस एजेंसीज एन वेरी सेफ हैंड्स एंड इंडिया इज एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजिशन एंड एवरी इंडियन शुड कॉन्ट्रीब्यूट एंड टेक एडवांटेज ऑफ दट पोजिशन राइट अगर आप बिजनेस में तो यूनिकॉर्न बनाइए अगर आप एजुकेशन में तो यूनिवर्सिटी बनाइए अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो बिकॉज ब्रांड इंडिया हैज बिकम बिग राइट एंड नरेंद्र मोदी हैज द विजन टू से कि मैं अपने अगले टर्म में अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा राइट दैट इज विजन वर्स इज राहुल गांधी जर्नलिस्ट कास्ट क्या है ही ट्राइंग टू टेक द पॉलिटिक्स टू अ कास्ट एंटिटी पॉलिटिक्स एंड नरेंद्र मोदी ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट पॉलिटिक्स राइट सो अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को अगर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को

नहीं फोकस हो सकता है जैसे जैसे उन्होंने दो तीन चीजें जो मैं मैं तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का माइंड तो रीड नहीं कर सकता आई कैन ओनली एनालाइज पब्लिक स्पीचेज उन्होंने दो तीन चीजें कही हैं एक तो कहा है आ, मुझे लगता है फोकस होगा थोड़ा करप्शन के अराउंड राइट ही सेइंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अमाउंट एंड वी एम से दो तीन साल में भाजपा को बहुत गाली पड़ती थी कि आप कहते हैं ये करप्ट है वो कर, आपने hmm. पकड़ा किसको जब पकड़ लिया तो पकड़ क्यों लिया राइट hmm. लॉड ऑफ दिस पॉलिटिशियंस इंडिया में ज्यादा लोग पकड़े ही नहीं गए कभी तो एक तो करप्शन के अराउंड बड़ा काम होगा अच्छा उसके लॉस भी बनेंगे जैसे बेनामी काम उनके खुद के पार्टी के लिए भी होगा खुद के पार्टी के लिए भी होगा बिल्कुल होगा और उनके पार्टी के लोग स्केर्यड भी है तभी आपको कोई बड़ा केस देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ लिटमस टेस्ट है अगर बीजेपी के किसी भी किसने कोई बड़ा करप्शन का केस करा होता छोटा भी करा होता तो कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी का आदमी उसको जेल ले जा चुका होता आज तक क्योंकि वो नहीं कर यानी या उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लो केवल चैनल में चैटर करने के लिए तो एक वो बड़ी चीज होगी दूसरी होगी सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स विद मोदी सैंग कि अगर अभी अस्सी लोगों को गैस मिली मैं सौ को दिलवाऊंगा अभी अगर नब्बे परसेंट लोगों को नल मिला है मैं तो सौ परसेंट को दिलवाऊंगा अगर अभी भारत के इस पार्ट में सड़क नहीं बनी तो उसको भी बनवाऊंगा तो दूसरा सैचुरेशन होगा तीसरा होगा इकोनमी लार्ज हो जाएगी

सो थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्सन करेंगे आई थिंक सो मैं बहुत एंटी बीजेपी साउंड किया बट देन इट्स माई जॉब कि मैं आपको क्रॉस इट्स गुड सो दैट द लॉट ऑफ एलिसिटेशन आउट सो सर थैंक यू सो मच आई होप सो की आई वॉज एबल टू ब्रिंग आउट समथिंग गुड फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन फॉर दूर सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू नमस्ते